हेलो हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? हेलो और नमस्ते हिंदू सेना जी, और सभी को नमस्ते जितने भी स्ट्रीम में आ रहे हैं। और आप सभी को एक दरख्वास्त है कि आप लोग स्ट्रीम शेयर कर दो, तो आप लोग सभी ने ये चीज तो जरूर सुना होगा या फिर देखा होगा कि बहुत सारे जो मजार हैं वहां पर चमत्कार होते हैं। और चमत्कार ऐसे जिसको जो पूरी दुनिया है वो एक्सेप्ट कर रही है, जो उस अकीदे को ताल्लुक रखते हैं वो लोग। जहां पर ऐसे लोग जिनके घर बच्चे नहीं है वो मजार में जाकर के दुआ मांगते हैं, तो उनको मजार वाले जो बाबा जी हैं वो बच्चे पैदा कर देते हैं। किसी को लड़की लड़की पैदा हो रही है, लड़के पैदा नहीं हो रहे, तो मजार वाले बाबा जी से दरख्वास्त करते हैं, दुआ करते हैं, तो बाबा जी लड़की की जगह उनको लड़का दे देते हैं। तो ये जो अंधविश्वास है वो समाज में है, और ज्यादातर करके हम लोग ये कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा अंधविश्वास है, इसको मना नहीं किया जा सकता। आप लोग भी इस चीज को बिल्कुल मानते होंगे कि हिंदू धर्म में आज के समय में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, चाहे वो कोरोना की वजह से कोरोना मैया का अवतरण हो, चाहे और किसी मंदिर में जो बाबा जी हैं वो जो आश्रम बनाकर बैठे होते हैं राम रहीम जैसे, उनको लेकर के देख लो। लेकिन ये तो क्योंकि हिंदू लोग यहाँ ज्यादा हैं, इसलिए हमको लगता है कि हिंदू धर्म में अंधविश्वास ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग एक सर्वे करें और उसके ताल्लुक से हम देखें, तो हिंदू धर्म से भी ज्यादा अंधविश्वास इस्लाम में है। और ये अंधविश्वास सिर्फ उनकी अंधविश्वास अकीदों पर ही नहीं निर्भर, इससे आगे बढ़ करके ये अंधविश्वास इतना कठोर हो जाता है कि वो एक दूसरे को इस चीज की वजह से मारना काटना भी शुरू कर देते हैं। अक्सर लोगों का यही कहना होता है, और जो बाहर की कंट्री के लोग होते हैं वो, कि हिंदू लोग तो पत्थरों पे दूध चढ़ाते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और इस चीज का हम कभी भी समर्थन नहीं करते कि अंधविश्वास को किसी भी मजहब में बढ़ावा दिया जाए। लेकिन एक जो माला होती है वो माला सिर्फ एक ही मजहब को पहनाई जाती है कि इसमें अंधविश्वास है, और इस्लाम को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि उसमें कोई अंधविश्वास, कोई गलत चीज, कोई भी ऐसी अंधश्रद्धा नहीं है। लेकिन वास्तविकता में आप देखोगे कि अंधविश्वास का ही एक नमूना हलाला है, अंधविश्वास का एक नमूना हलाला है। इसके साथ जो जिन की बातें होती हैं वो भी अंधविश्वास के अंडर में ही आती है। ये लोग इस हद तक अंधविश्वासी होते हैं कि वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जिन नाम की कोई चीज होती है और वो चीज दिखाई भी नहीं देती। मजार में इसी वजह से आप लोग आए दिन जो है वो न्यूज सुनते रहते हैं कि मजार में फलाना लड़की की जो है वो रेप हो गई, या फिर मदरसे की न्यूज तो बहुत ज्यादा आती है। लोग इस अंधविश्वास में ऐसे डूबे हुए हैं कि सामने जो बैठा हुआ मौलवी है जिसकी लंबी दाढ़ी है और वो कुर्ता पजामा पहनता है, टोपी लगाता है, एकदम सुन्नती बन के बैठा हुआ है, उनको लगता है कि ये जो बंदा बैठा हुआ है साक्षात ही नबी है।
और सहाबा इकराम में से ही है, और वो अपनी बच्चियों उनके पास तालीम हासिल करने के लिए भेज देते हैं, और फिर वो अपना एक गंदा चाल चलता है और अपनी उस, अब ये तो सिर्फ हम बच्चे के लिए नहीं कह सकते हैं, आप लोग देखोगे कि इस ताल्लुक से आपको जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं लड़के, उनको भी ये लोग अपने हवस का शिकार बनाते हैं, और उन्हीं के नाम से जिन्होंने इतिहास में ये सब कर रखा उनके नाम से फिर ट्रेनें चलती हैं, फिर रास्ते बनाए जाते हैं, संग्रहालय, विद्यालय, महाविद्यालय, ये सब बना जाते हैं, और हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्ट करने वाले की भी गलती नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि उन्होंने क्या कांड कर रखा है। अगर हमको पता चल जाए कि फलाना दरगाह का जो बाबा जी था उन्होंने ऐसा किया था, इसके साथ रेप किया था, इसके साथ कत्ल किया था, इसका ऐसा किया था, यानी कि उसकी जो कुकर्म है वो हमको पता चल जाए, तो फिर कोई भी बंदा जो है वो उसके पास ना जाए। लेकिन ये चीज देखी नहीं जाती। अब आप लोग तो राम रहीम का ही उठा के देख लो, तो फिर कोई भी बंदा जो है, राम रहीम जो था वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया सबके सामने ही। वो उसको सबने एक्सपोज कर दिया, उसके बाद भी जो उसके चेले चपाटे हैं वो आज भी राम रहीम को फॉलो कर रहे हैं। हम कहीं जाते हैं और उनके जो वो है शिष्य हैं, वो लोग आज भी उनकी महिमा मंडन करते हैं कि राम रहीम ऐसा था वैसा था। आसाराम की बात करें तो आसाराम के जो चेले हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, वो भी इसी चीज के ताल्लुक से बोलते हैं कि हमारा राम आसाराम जो थे वो ऐसे थे वैसे थे, लेकिन जो सच्ची बातें हैं उसको कोई नहीं बताता। उनको वो भ्रम है कि इनको फंसाया गया है। वही हालात हमारे यहाँ के मुसलमानों, हम लोग बताते हैं कि आपके नबी ऐसे थे, उन्होंने इसका रेप किया था, इसका कत्ल किया था। अब कई लोग बोलते हैं कि दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है कि नबी ने किसी का रेप किया था, तो सिर्फ बोल करके करना रेप, ये रेप नहीं होता। रेप के माने हैं कि अनिच्छा से किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना। अब इसको साबित कर सकते हैं, आप सबको पता है 6 साल की आयशा वाली स्टोरी, सबको पता है। अब 6 साल की बच्ची, 9 साल में रुखसती हुई थी, 9 साल की कौन सी बच्ची होगी जिसके अंदर ही ऐसी फीलिंग आएगी कि वो किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। तो इसको तो एक तरफा बोलेंगे अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है 53 ईयर्स का बुढ़ा किसी 6 साल की बच्ची से, तो इसको हम लोग रेप ही कहेंगे, क्योंकि उस बच्ची की तो ना उम्र हुई है, ना उसकी मर्जी है, ना वो चाहती है, और उसके अंदर हवस है और वो उसके साथ कर रहा है शारीरिक संबंध। अब वो लड़की ऐसी है जरा अपने आप को, अब लड़के हो फिर भी और लड़की हो फिर भी, अपने आप को वहां पर रख के देखो उस बच्ची के साथ में। उस बच्ची के माता पिता अबू बकर और उसकी जो वाइफ थी, उन्होंने उस 53 साल के बुढ़े को उसको सौंप दिया है। अब वो अधेड़, जो 53 साल का अधेड़ है, वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है 9 साल की उम्र में, और वो लड़की इतनी मजबूर है, एक लड़की के भीतर अगर किसी लड़की को कोई छेड़ता है, परेशान करता है, वो सबसे पहले किसको जाके कहती है? अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, अपने परिवार वाले को पहले कहती है। लेकिन उसके परिवार वाले ही उसको उठा करके उसके सामने परोस दे जो उसको नोचने वाला है, तो वो लड़की किस तरह से मानसिक विपत्ति में फंसेगी, आप सोचें। वो लड़की जो 9 साल की है, वो अपने अब्बू अबू बकर को, अपने अम्मी को भी नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या बीत रही है, 53 साल का अधेड़ मेरे साथ क्या गलत कर रहा है, क्योंकि उसके खानदान वाले ही उसको वहां पर छोड़ के गए हैं। तो कैसी मानसिक कसमकस में वो लड़की जो है वो बड़ी हुई होगी।
और उसने उसके जो शरीर के साथ जो छत विछत करके उसके शरीर को जो नोचा जा रहा था उस अधेड़ की वजह से, उसके द्वारा, तो उसको उसने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया था कि यही मेरी नियति है। और क्योंकि उसके आसपास भी लोग ऐसे ही जो है नबी को तवज्जो देते थे, तो वो ऐसी सोचती होगी कि हर लड़की की इसी उम्र में ऐसी दुर्दशा होती है, तो ये तो समाज में कॉमन है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय मोहम्मद ने कैसी मानसिक रूप से दबाव बना रखा था ऐसा पे और उसके फैमिली वाले पे, और ये कैसे अजीब तरह के लोग थे जिन्होंने अपनी बेटी को जो 9 साल की थी उसको सौंप दिया कि ये जाओ ले जाओ। और वो कैसा इंसान होगा 53 साल का जो 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा किया होगा, उसके जमीर में, उसके जमीन ने कैसे इस चीज की हाँ कही होगी कि कैसे मैं छोटी सी बच्ची को जो मेरी नातिन की उम्र की है, क्योंकि जब वो 53 साल का था हमारे नबी, तो उस वक्त वो अधेड़ थे और उस उम्र में इंसान की नातियां हो जाती, पोते हो जाते हैं, तो वो नाते पोते की उम्र के उम्र में उसने 6 साल 9 साल की बच्ची के साथ ये संबंध बनाए। और ये अंधविश्वासी लोग उस चीज को सही ठहराते हैं, जायज ठहराते हैं। अगर ऐसे लोग ही होते हैं जो बाल विवाह को या फिर जो बच्चे के साथ रेप होता है उसको भी सही ठहराते हैं। तो ये तो रही बात इन सब की, तो मैंने लिंक भेजी थी, तो काफी जो लोग हैं वो आना चाह रहे हैं, तो मैं उनको ऐड करती हूँ, एक एक करके ऐड करती हूँ, बाद में स्टूडियो फुल हो जाता। हेलो, नमस्ते, आ रिजन में जय जी। हेलो हेलो, लगता है ये कहीं चलेगा। हाँ नमस्ते मैम, नमस्ते, यही हम बोलना चाहते हैं एक कि जो आप मोहम्मद साहब पे क्वेश्चन उठा रही हैं और वो मुसलमान लोग उनको अपना रसूल मानते हैं और फिर से कोई उनके बारे में कुछ बोले तो उसका सर कान से जुदा वाला यथी चलता है फतवा। तो ऐसे तो क्वेश्चन तो उठना ही है जो कयामत के दिन तक वो रसूल है। तकलीफ की बात तो ये है ना कि सवाल ही नहीं उठता मोहम्मद पे, सवाल ही नहीं उठता। तकलीफ की बात ये है क्योंकि अगर सवाल उठता तो उसका उत्तर भी दिया जाता। अब जिसके लिए सवाल ही नहीं उठाते मुसलमान, उसको जवाब कैसे देंगे, उनको जवाब कैसे मिलेगा? वो लोग सिर्फ उनकी जो बताई गई बातें हैं जो मौलवी ने रटा रखी है बस उसी के पीछे भागते हैं। अपने तरफ से कोई ऐसी चीज, ऐसी अलग से जो सच्चाई वो जानने की कोशिश नहीं करते, यही तो तकलीफ की बात है। अभी इस्लाम में सुने हैं कि अगर कोई मोहम्मद साहब के इतना बोल दे कि मोहम्मद साहब मर गए थे तो भी वो गुस्ताखे रसूल के अंदर आ जाता है। ये बरेलवी फिरके वाले कहते हैं कि नबी जो है वो मरे नहीं थे, और जो देवबंदी वहाबी फिरके वाले हैं वो कहते हैं कि जो नबी पाक थे वो मर चुके हैं, है ना? तो इन दोनों में इख्तलाफ है। बरेलवी कहते हैं कि तुम नबी को मरा हुआ बोलते हो, तो नबी तो नहीं मरा है क्योंकि अल्लाह के राह पे जो मरता है वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जीवित ही रहता है। वो जो है वो बरजक में चले जाता है, बरजक के माने होते हैं पर्दा, वो ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां सब लोग जीवित होते हैं बट हम लोग उसको देख नहीं पाते। तो इसलिए वो बरेलवी वाले जो होते हैं वो हमेशा वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस लोगों को काफिर कहते हैं, और इसी बात से इनका झगड़ा होता है। वैसे बहुत से इख्तलाफ है इन लोगों में। अभी आप राम और कृष्ण के बारे में बोल रहे थे, जैसे राम और कृष्ण के ऊपर सीरियल बना है, क्या मोहम्मद साहब के ऊपर सीरियल बन सकता है? सीरियल तो बना दें, लेकिन सीरियल बनाने वाले कितने दिन तक जीवित रहेंगे? फिर एक बंदा आएगा स्टेज में किसी भी चीज का झूठ बोल करके या दर्शक को बोल करके एक पिन निकालेगा, अल्लाह अकबर बोलेगा, फिर सब शांत हो जाएंगे। इसी डर से वो लोग सीरियल नहीं बनाते।
है ना, वो लोग जो मुसलमान होते हैं कट्टर वाले, एक कट्टर हिंदू क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी के सामने खड़ा होके नीचे गोली मारेगा, असदुद्दीन पे भी नहीं मारेगा, नीचे गाड़ी। और एक पक्का कट्टर मोमिन क्या करेगा, वो जाएगा एक बॉम्ब लेके, स्विच वाला, स्विच निकालेगा, उन्हीं काफिरों के बीच खड़ा हो जाएगा, फिर सब शांति। तो क्या है, अभी हिंदू लोगों में ये है कि अभी बहुत से हिंदू हैं तो वो लोग एथी सेकुलर वाला अभी जिंदगी जी रहा है, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं हो रहा है। और जहाँ तक कि ढोंग सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में घुस गया है, जो मूर्ति पूजा होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारा ऐसा चीज है कि हमारे धर्म का है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा ये भी ढोंग है, ये जितने भी मजाहिब है चाहे कोई भी धर्म हो दुनिया का, सब के सब ढोंग है। विज्ञान के सामने सारे धर्म है, जो भी धर्म है, जो भी मजहब हो, आप धर्म को कैसे डिफाइन करते हो, मजहब को कैसे डिफाइन करते हो, रिलीजन को कैसे डिफाइन करते हो, ये आप लोग के खुद की जो है वो मैटर है। लेकिन साइंस के सामने, विज्ञान के सामने, आज पहले और आगे भी कोई भी धर्म ना टिकेगा ना टिकाएगा, वो हमेशा से उनके सामने नतमस्तक होकर घुटने पे ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे सनातन धर्म में है उसको पहले साइंस के कटौती पे रखिए, उसके बाद से अगर सही हो साबित होता है साइंस के हिसाब से, वही हमारा धर्म है। बाकी ये जो पुराणों के हिसाब से जो चलते हैं, ये हमारा धर्म है ही नहीं। मैंने बहुत सुना है कि अब बहुत सारे हिंदू पुराणों को निग्लेक्ट करते हैं, बहुत सारे हिंदू वेदों के अनुवाद को निग्लेक्ट करते हैं, बहुत सारे जो हिंदू हैं वो वेदों और पुराणों को भी ना मान करके सिर्फ जो दर्शन शास्त्र है उसको मानते हैं। तो ये आप लोगों में भी बहुत सारी चीजें हैं। खैर, ये तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत कम समय में और लोगों को लूँ, तो मैं किसी और को ले रही हूँ। ठीक है, आपको कोई एक समस्या तो नहीं है? एक 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 हमारा क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे। जी जो वो वेद में ही है तो दो लोग ऐसे किए हैं, उसको हिंदी में अनुवाद किए हैं, एक मैक्स मूलर का और एक महर्षि दयानंद सरस्वती का। तो मैक्स मूलर वाला बहुत बहुत गलत भी है, उसमें बहुत कुछ ऐड भी किया गया है, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती वाला ही एक ना अच्छा है। क्योंकि आप जो है वो क्या बोल सकते हैं, वैदिक मान्यता को मानने वाले हो, इसलिए आपको लग रहा है कि जो दयानंद जी ने अनुवाद किया वो सही है। लेकिन जो सेकुलर टाइप का है या फिर जो मैक्स मूलर के विचारों से प्रभावित है, उसको लगेगा कि मैक्स मूलर का जो अनुवाद है वो सही है। तो इसमें भी जो है वो कंफ्यूजन है ना। इसका निर्धारण कौन कर सकता है जो अच्छे से इन सब चीजों को जानता होगा? ठीक है, तो आप किसी और ले लिए, हम एथी लिप ले लेते हैं। चलिए ठीक है। इतना समय नमो आदेश जी, प्रणाम। कैसी हो यास्मिन जी? कैसी नमस्ते। कैसे हो? अच्छी। टॉपिक हमेशा आप यूनिक लेके आते हो, हमेशा। ठीक है, आज जिस बात जिस टॉपिक के बारे में उसी के बारे में बात करेंगे। आप बड़े अच्छे से आप डिस्क्राइब कर रहे थे। जी आप नास्तिक हो या फिर आप धर्मी हो? मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं मतलब बहुत ज्यादा फॉलो करने धर्मी। वाला हूँ धर्म को। हाँ जी, चलो अच्छी तो बात है। आपने जो टॉपिक उठाया, एक्चुअली मैं जिस जिस पॉइंट को मानता हूँ वो बहुत गहन हो जाएगा और वो बहुत लंबा डिस्कशन होगा, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। जो आप बता रहे थे उसके बारे में बात करते हैं, राइट? तो जो आप बताए थे ना मोहम्मद और आयशा के बारे में, दिक्कत क्या है कि अकेला मोहम्मद ही नहीं था, आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मन मचल जाता है बच्चों को देख के। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में, तो वो मोहम्मद जो था वो उसी मानसिकता से पीड़ित था। यार कोई किसी 10 साल के बच्चे को देख के कैसे विचार कर सकता है कि भाई मैं इससे शादी करूंगा, और वो भी 56 साल का। जब मैं मुझे पता नहीं उसकी एज क्या थी उस टाइम पे, लेकिन वो भी उतनी साल का। तो ये लोग जो बच्चों को देख के मतलब इतना विचलित हो जाएं और मतलब ये सोचने लगे कि मुझे इससे शादी करना है, तो वो साइको होते हैं।
साइको समझते हो? साइको मतलब थोड़ा हटके आम आदमियों से, आम आदमियों में भी थोड़ा बहुत साइको होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो साइको का जो वो होता है ना तत्व, वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो वो सब कुछ ऐसा सोच लेते हैं। तो ऐसे लोगों का उस टाइम पे इलाज था नहीं, आज के टाइम पे होता तो कहीं मेंटल हॉस्पिटल में होता और उसके करंट लगाए जा रहे थे ताकि उसका दिमाग ठीक हो जाए। हाँ सही बता रहा हूँ। और ये मतलब जब आज के टाइम पे आदमी सोचता है ना कि यार कैसे उस लड़की के साथ उस बंदे कैसे लेके गया होगा, क्या क्या हुआ होगा, और वो लड़की कैसे सहन कर पाई होगी, तो आदमी की रूह हिल जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो लोग उसे डिफेंड करते हैं, समझ में नहीं आता यार, वो या तो उसी मानसिकता से पीड़ित है, या फिर मतलब यार आदमी गलत को सही कैसे बता सकता है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, मतलब सबको पता है, कोई भी बच्चा भी कोई गलती कर दो, कितनी बड़ी गलती कर दो, आदमी के दिमाग में आता है यार छोड़ यार बच्चा है, इसे कहाँ पता है इतनी सारी चीजों का, है ना। और आप शादी करनी थी, कैसे संभव है यार? एक ऐसा इंसान जो मानसिक रूप से जो है वो स्वस्थ है, वो ऐसे विचार नहीं ला सकता। वही ना, वो सोचेगा यार बच्चा है, ठीक है ये बच्चा है, इसने गलती कर दी, कोई वो गलती के ऊपर बता रहा हूँ, चलो इग्नोर है, बच्चा है। और आप शादी करने के बाद बात करो तो आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप कितनी बुरी मानसिकता से पीड़ित हैं। मतलब हवस की दुकान हो आप, दुकान कम है, गोदाम हो आप, गोदाम जिसमें ये लोग सारे सने हुए हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं कि हाँ उसने ठीक किया था। जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। जी आप अगर चाहें तो कोई और नेक्स्ट कॉलर ले सकते हैं, मुझे इतना ही ठीक कहना जी, तो थैंक यू। जी। हेलो हेलो, जी, नमस्ते। जी कैसी हैं, हाउ आर यू? फाइन। जी मैं एक एथियस्ट हूँ, तो मैं नमस्ते नहीं कह सकता क्योंकि मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता हूँ, और मैं एक्स मुस्लिम ही हूँ। और नमस्ते का मुझे, मतलब मैं क्या फर्स्ट टाइम होता है? आपकी स्ट्रीम पे आया हूँ। जी नमस्ते का मतलब क्या होता है? नमस्ते का मतलब क्या होता है? अच्छा, किसी को ग्रीट करते हैं तो हिंदी में नमस्ते कहते हैं ना शायद। हाँ, वो जैसे हेलो है वैसे नमस्ते है। नमस्ते का मतलब होता है कि हम ओह आपके अच्छा, सामने झुक रहे हैं, यानी कि हम आपका वो कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। ये एक आदर का वो है, जैसे जापनीज में कहते हैं खापुन खाप करके झुकते हैं ना, कि आपका स्वागत है। वैसे ही अच्छा। हिंदी में हाथ जोड़ के सिर झुकाते, नमस्ते आपका आदर है। तो आप अगर किसी को नमस्ते कहते तो आप किसी भी धर्म के परिक्षेत्र में नहीं आते, आप किसी को भी नमस्ते कह के उसका आदर कर सकते हैं। जी शुक्रिया, आपने मुझे नमस्ते का मतलब समझा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि मैं भी एक एक्स मुस्लिम ही हूँ, और मैं अचानक से अभी फोन मैंने खोला, मैं बाहर से आया यूट्यूब में आपका स्ट्रीम, बिकॉज मैंने जितने भी मेरे एथियस्ट भाई हैं मैंने सबको सब्सक्राइब कर रखा है। मैं सिर्फ अभी 22 साल का हूँ, और एक्स मुस्लिम मैं क्यों बना, अगर आप इजाजत दे तो मैं छोटी सी अपनी कहानी बता सकता हूँ। बिल्कुल बताइए। हुआ यूं यस्मिन जी के पिछले साल लॉकडाउन में, ये 2020 की बात है, अभी 2022 चल रहा है, तो उस टाइम में काम वगैरह सब बंद था, मैं मुंबई शहर में ही था। तो बचपन से जो मेरा माइंडसेट था थोड़ा डिफरेंट किस्म का था, मैं बड़ा ही मतलब चीजों को सवाल करना, मैं बचपन से ही, हालांकि मेरे अब्बू अम्मी जो हैं वो अभी भी मुस्लिम ही हैं,
और मैंने उनको अपने बारे में बताया नहीं है, तो बचपन से मेरा माइंडसेट जो था, मैं चीजों को सवाल करता था। जैसे हमारे मोहम्मद साहब, हमारे प्रॉफिट जॉनी सिंस जो रहे, इनकी कहानियां मैंने सुनी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं अजीब लगती थी बहुत सारी बातें। और मैं बचपन में जब 5-6 साल का था, तो मेरे माइंड में एक सवाल आता था और मैं अपने मम्मी से पूछता था और भी लोगों से पूछता था जब मैं मदरसे में पढ़ाई करता था। मैंने पूछा था क्योंकि बचपन में हमने एक बात सुनी होती है, जब हम मुसलमान होते तो एक बात मैंने सुनी थी कि जो काफिर है, गैर मुस्लिम है, आपने भी बचपन में सुना होगा, वो मरने के बाद दोजक में जाएंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, है ना। तो वहीं से मेरा सवाल आया कि यार कोई इंसान किसी दूसरे धर्म में पैदा हुआ है तो इसमें तो इंसानों की गलती नहीं, इसमें तो बल्ले अल्लाह की गलती हो सकती है, क्योंकि अगर इस्लाम ही सच्चा मजहब है और इसी पे चल के कोई इंसान जन्नत में पहुंच सकता है या तो अल्लाह ताला को चाहिए था सबको सलमान बना के दुनिया में पैदा करते, तो इसमें तो गलती इंसानों की नहीं, अल्लाह की है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? नहीं बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है? जी, आ रही है। तो ये सब सवाल मेरे बचपन से माइंड में थे। और एक चीज और बताऊं यास्मीन जी, मैं 2016-17 में, मैं थोड़ा मेच्योर हुआ 17-18 साल का, तो मेरे माइंड में मतलब घर में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने नमाजें वगैरह कंटिन्यू की 3-4 महीने, बहुत नमाज पढ़े 5 महीने तक, और मैं बड़े टाइम से पढ़ता था, कप कपाती ठंड में भी सुबह फजर के नमाज पढ़ने के लिए, भले ही घर में रहूं, कुछ काम रहे या जो भी हो, या बाहर भी रहूं, तो टाइम निकाल के मैं पढ़ लेता था, क्योंकि मैंने सुना था नमाज पढ़ने से भाई सारी परेशानियां दूर हो जाती है, और मैं काफी तकरीरें वगैरह जो हमारे मुफ्ती साहब है, जो भी है, फेक हमारे मौलाना है जो झूठी झूठी बातें लोगों में फैलाते हैं, मैं पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका था उस टाइम में। तो मैं बहुत दुआएं करता था, मैं रो रो के, बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम भी थी घर में, तो फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं होती थी, तो मैं बहुत टूट गया अंदर से। फिर मैं कभी कभी सोचने लगता था कि यार हो सकता है मेरी नमाज में ही कुछ कमी रही होगी, मुझे और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मैं मेरे हाफिज मौलवी दोस्त भी थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तो बोलते अरे तुमने वजू सही से नहीं किया होगा, ये दुआ पढ़ो, ये करो। मैं सब करता गया, मैंने कहा मैं सब करूंगा, हो सकता है, वैसे भी ये लोग कहते हैं कि अल्लाह के घर में थोड़ा सा देर बटन देर नहीं, दुआ करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, दुनिया में नहीं मिलेगा तो आखिरत में तो मिलेगा ही। तो ये कॉन्सेप्ट तो मेरे को समझ में नहीं चाहिए, मैंने सोचा भाई मेरे को चाहिए दुनिया में तो आखिरत में फिर क्यों अल्लाह देगा मुझे, है कि नहीं। तो फिर वहां से फिर कुछ नहीं बना, तो फिर मैं अचानक से फिर मैंने 5-6 महीने मैंने नमाज छोड़ दिया। मैंने कहा यार मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, ये पढ़ो वो करो, इतना ये क्या करे इंसान। तो मैंने कहा चलो अब नमाजें वगैरह छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं है, बस जुमे की नमाज पढ़ेंगे। और मैं इतना ज्यादा रिलीजियस नहीं था, और मैं थोड़ा लिबरल, मतलब मैं काफी, मेरा थॉट प्रोसेस अलग था लड़कियों को लेके भी, जो हमारे माशरे में आप तो बेहतर जानती होंगी यास्मीन जी के लड़कियों के साथ मतलब कितनी ज्यादती होती है हमारे माशरे में, है ना। तो मैं जब देखता आसपास में, जब मेरी बहन हो गई या कजन्स हो गए, उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है चीजों के लिए, उनको घर से बाहर ना निकलने देना। अच्छा, एक चीज जो है या फोन यूज करना, वैसे मेरी बात सुनिए, एक चीज जो है वो मैं कॉमन देखती हूँ, और मेरे स्ट्रीम में बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी आए जिन्होंने इस चीज को बताया था, बट ये चीज मैंने बहुत देखे हैं हमारे इस्लामिक जो कल्चर है उसमें। और शुक्र है कि मेरा कोई ऐसे कजन ब्रो या सगा भाई वगैरह नहीं है, लेकिन आपकी अगर मैं कहूँ तो आप ये कजन सिस्टर होंगी, है ना जी, और ऐसे सगी बहन भी होगी, और माँ जो अम्मी है, माँ वगैरह ना, वो भी होगी। तो अक्सर ये चीज कुछ ज्यादा ही मैं देखी हूँ कि वो लोग उससे इंटरमीडिएट करते हैं, क्लोज हो जाते हैं अपनी बहनों से, माओ से, या फिर कजन सिस्टर से शादी से पहले, या उन्हीं से शादी कर लेते हैं। तो आपने कभी ऐसा फेस किया? हाँ, मैं बता रहा हूँ अपनी बात आपको।
तो जब मैं देखता था मतलब अपने रिश्तेदारों में कि यार इतनी इनको प्रॉब्लम लड़कियों, क्योंकि हम लड़के हैं तो हमको पूरा राइट मिलता है ना, बचपन से सिखाया, मुसलमान भले ही लड़का, उनके लिए कोई रूल्स नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं, बट लड़कियों के साथ बड़ी ज्यादती होती है, ये मुझे बड़ा गलत लगता था। तो मैंने सोच क्या लड़कियां होना गुनाह है? अल्लाह कहता है यार अब सब कुछ मतलब अपनी, अगर लड़के की नीयत गलत है तो वो अपनी नजरें नीची करके चले ना। ये बुरखे का कॉन्सेप्ट मुझे आजकल, तो ये विवाद भी चल रहा है, आप अच्छी तरह से जानती होंगी। तो ये सब मतलब बहुत सारे सवाल आप मेरे माइंड में आते थे। तो उसके बाद मैंने, और फिर क्या हो गया कि ये लॉकडाउन की बात है, जब ये लॉकडाउन लगा ना, तो एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब ऊपर नीचे कर रहा था, तो अचानक से एक वीडियो आया मेरे सामने कि वाई आई लेफ्ट इस्लाम, पाकिस्तानी मूल चैनल पे हारिस सुल्तान का वो वीडियो था। मैंने कहा यार ये क्या वीडियो है यार। मैंने फिर सोचा कि यार ये मैं पूरी तरह से तो ईमान से जा ही चुका हूँ, आज ये वीडियो भी देख लेता हूँ मैं थोड़ा। तो मैंने वीडियो पे क्लिक किया, 8 मिनट का वो वीडियो था। वो वीडियो देखने के बाद मेरे सारे सवालात जो मैं बचपन से सोचता था, बहुत सारी गलत फहमियां, कुरान की सच्चाई, मोहम्मद की सच्चाई, सारी पता चल गई। उसके बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ मैंने सारे, एक होता है ना कि जैसे एक प्यासा इंसान होता है जिसको एक पानी मिल जाता है, पानी का कुआं, वैसा मैं कंज्यूम करता गया चीजों को, मैं जानता गया। फिर गालिब सर से मिला, उनसे भी बातें की, जफर भाई के चैनल पे भी मेरा एक इंटरव्यू है 1 घंटे का, आप मेरा पूरा उसमें मैंने पूरी स्टोरी बताई है, तो आप जरूर देखेंगे अगर आपको कभी टाइम मिले तो। तो मतलब उसके लाइफ चेंज हो गई और मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए, तो पक्का एथियस्ट बन गया। और मैं बहुत सब्र से, मैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करता हूँ, नमाजे वगैरह ना पढ़ो जैसे फ्राइडे को तो प्रॉब्लम्स होती है, तो इन सब प्रॉब्लम्स से तो अभी भी हूँ, बट एक बात है तसल्ली है कि मैं इस सब से निकल गया। वही तो मैं बोल रही हूँ, बस आप लोग ही हो जो सही तरीके से अब इस्लाम को सामने ला सकते हो, क्योंकि हम लोग कितनी भी उठा पटक कर लें, आखिर में हम लोग को अपना जो ये है सब जो शादी के बाद है वो रुक जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग लड़के हो तो आप लोग को ये चीज जो है वो शादी के बाद भी आप लोग कर सकते हो, आप लोग को कोई रोक टोक नहीं है, तो ये नहीं, आपके लिए आप क्यों बेहतरीन रुकेंगे? है। इसलिए कि भाई शादी के बाद ये सब नहीं कर सकते ना, अभी सिंगल है तो चला ये छू छू के नहीं तो शादी आप होने के बाद मुस्लिम तो से नहीं शादी चलेगा। करोगे आप? अगर मुस्लिम से नहीं करेंगे तो फिर मॉम डैड तो गुस्सा करेंगे ना। अरे रे रे रे, ये तो बहुत मतलब एक आग के में आप मतलब एक कूदने के बराबर होगा ये आपके लिए, और बड़ा ही, बड़ा आपकी यासमिन जी ज्यादा स्टोरी सुनी नहीं। हाँ जफर भाई के चैनल पे मैंने आपकी 10 मिनट की क्लिप सुनी थी, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं आपके बारे में, बट मैं तो बड़ा खुश था कि आप इस मजहब से निकल गई, बट अभी ये सुन के मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ। मुझे सोचो कि मुझे कितना सेट फील होता होगा। क्या कह सकते हैं, चलिए लेट्स होप के चलिए जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहूंगा कि भाई आप कोई अच्छा सा एथियस्ट बंदा ही आपकी लाइफ में आए, क्योंकि एक अगर मोमिन आएगा तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी, चलिए ठीक है, आप भी अल्लाह पाक जानती आपकी हैं। बात को जो है वो सही साबित करे, आपका दुआ कबूल कर ले। फिर किसी और स्ट्रीम में आपसे मिलते कौन हैं, सा अल्लाह, ठीक चलिए है। ठीक है। आने के लिए बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद यास्मीन जी, जी। हाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर हो सकता है शायद मजीद और भी लोग होंगे हाँ, रखिए अपनी बात। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी स्ट्रीम रख लेते हैं 1-to-1, मैं आपको उसमें अपनी कुछ, अगर आप चाहें तो अगर आप चाहें तो जी, उसमें मैं अवश्य अपनी अवश्य डिटेल जरूर, से हम बात डिटेल करेंगे से एक, हम बात करेंगे। और ये जो एक आपसे मैंने बात की ना, ये आपसे मैंने पोर्शन मैं बात की ना, चाहता ये हूँ कि आप पोर्शन मैं क्लिप्स भी चाहता हूँ शायद कि आप अपलोड करती क्लिप्स होंगी भी अपने शायद अपलोड चैनल पे, करती होंगी अपने चैनल पे, तो एक क्लिप डालें तो एक क्लिप और डालें मैं इसको मैं और शेयर मैं करूंगा, इसको क्योंकि मैं मैं शेयर बहुत सारे करूंगा, वीडियोस क्योंकि को मैं मैं बहुत शेयर सारे करने के वीडियोस को मैं चक्कर में शेयर करूंगा, मेरे चक्कर में फैमिलीज के मेरे बहुत सारे फैमिली लोगों और की वजह से लोगों मैं की वजह से मैं प्रॉब्लम्स भी फेस की है। प्रॉब्लम्स भी फेस की है मुझे एक मुझे फैमिली एक व्हाट्सएप ग्रुप फैमिली थी, उसमें व्हाट्सएप मेरे ग्रुप, मामा हाँ कजन सब मेरे लोग थे, मामा तो कजन सब लोग थे, उसमें वीडियोस ठीक डाला तो मुझे ठीक ग्रुप से वीडियोस डाला निकाल मुझे लिया। ग्रुप से। तो मैं चाहता हूं कि ये जो सच्चाई है सबके ये सामने है। गलती मत करना, ये गलती मत करना, है ना। मैं एक एक लड़का था, उसकी पेपर कटिंग छपी थी, मुझे किसी ने सेंड किया था,
और वो बंदे ने क्या किया, यूट्यूब चैनल देख करके वो हो गया बहुत ही मतलब उत्साहित हो गया। उसने घर में बोल दिया मुझे इस्लाम नहीं पसंद, तो उसके चचेरे भाइयों ने पकड़ के उसको अच्छे से धोया। तो आपका नाक कान मुंह होंठ सब सलामत रहे, इसलिए आप ये सब मत करना, छुप छुप के करो थोड़ा। आपका वीडियो ओपन हो गया। चलो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा यासमीन जी आपसे अपनी कहानी बता के, और मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारे और भी हिंदुस्तान के जो लोग हैं खास करके जफर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा उनके साथ एक 1-to-1 इंटरव्यू भी हुआ था, तो 1 घंटे की पूरी स्ट्रीम थी वो पिछले साल उस पे, तो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान से भी लोग हैं, आप लोग हैं, नए नए लोग हैं, तो सब आते जाएं और इस मजाहिब को इसको एक्सपोज करें। एक सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है ना जिसके थ्रू लोगों के सामने रियलिटी सामने आ रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा यास्मीन जी, जाते जाते आपके लिए 2 लाइन गाना गा सकता हूँ क्या, अगर आप चाहें तो थोड़ा? यार आप शर्मा रहे हो तो मुझे भी, मैं थोड़ा एम्बेरस हो गया। मैं थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले रहा हूँ, गा दूँ क्या 2 लाइन? जल्दी गाओ प्लीज। जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपकी मैंने डीपी देखी तो मेरे दिल में आया, क्योंकि मैं गाना थोड़ा गाता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे सुनने वालों के लिए गा रहा हूँ, कोई ऐसा ना समझे भाई कमेंट्स में लोग लिखेंगे ये फ्लड करने के लिए आ गया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज भाइयों ऐसा कुछ ना बोलना। तो चलिए मैं 2 लाइन आपके लिए गाना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा माहौल बेहतर है यहाँ पे। चलो। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी है हया तेरी जो तू पल को गुजराए। ये कमेंट्स कितने लिखा यार। कैसी है हया तेरी जो तू पल को झुकाए, रब जो पोशीदा है उत्सो निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी शिवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी शिवल्ली बात कर दो हर्फी। चलिए थैंक यू, कमेंट्स में प्लीज गालियां ना दे भाइयों। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा गाना गाया आपने और आपकी वॉइस अच्छी है। गाना गाने के लायक, तो आप सिंगिंग में भी ट्राई कर थैंक सकते यू, हो जी। हेलो विपिन जी, नमस्ते। विपन हेलो, मेरी आवाज आ रहा है? हेडफोन निकाल के बात करो। हेडफोन निकाल दो। आपको कैसे पता हेडफोन निकाल के बात करूंगी? नहीं मुझे पता है, अब बोलो आप। अच्छा, तो हेडफोन लगा के बात करना चाहता था, तो अभी काम है आप कर लो। मैं सोचा हेडफोन भी आवाज आ जाएगी, लेकिन नहीं आ पाएगी लगता है, तो ज्यादा समय के लिए मैं कर नहीं पाऊंगा, आप किसी और को ले नहीं, लीजिए। चलिए ठीक है। अच्छा मैं एक एक बात, हाँ थोड़ा सा नाचना आपके लिए, थोड़ा क्या? नाचना चाहता ओके ओके, बाय बाय। हेलो हेलो, नहीं मैम, मजाक कर रहा था, ओके ओके बाय। ओके क्या? जी, हेलो जी, आप जी नमस्ते, नमस्ते ठीक है आप? जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बता। अच्छा ये बहन जी, ये बताइए जो आपने रखा है रिलीजन एंड साइंस, आपका क्या मानना है इसके बारे में?
सदैव विज्ञान उच्च है। विज्ञान उच्च है। हाँ तो बात तो देखिए क्या है कि विज्ञान ही एक धर्म का पार्ट ही है, या बोले तो धर्म ही एक विज्ञान है। अगर धर्म की अगर ना डेफिनेशन देखी जाए तो कैसे करेंगे आप? अच्छा, धर्म की डेफिनेशन बताइए। देखिए मेरा तो मानना ये है, धर्म की डेफिनेशन सनातन के अनुसार तो यही है, जो धारण करने के योग्य है वो धर्म है ना। हाँ, अगर ऐसा है तो भाई विज्ञान को धारण कर सकते हो, तो विज्ञान भी धर्म है। हाँ तो बस सनातन का मानना ये है कि जो धारण करने के योग्य वही धर्म है, और धारण करने योग्य यह कौन सी होती तो हैं? जो सत्य चीजें हैं तो वो धारण करी जाती हैं, बेकार चीज धारण करने योग्य होती नहीं, क्योंकि अगर चलिए बेकार ठीक है। चीज हो आप धारण। जी हाँ, बोलिए। बहुत क्लियरली बोल रहे हो, सही है। ये बहस करने वाली चीज नहीं है। आप बोले कि जो एक्सेप्टेबल है और जो सही है वो हाँ धर्म है, तो विज्ञान भी हाँ धर्म है, अनुशासन भी धर्म है, सद्भावना भी धर्म है ना। जी 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 तो जी जी इस जी मामले बिल्कुल। में हम लोग ब्रह्मा विष्णु में जो भी अंधविश्वास है, राम रहीम नहीं आसाराम, हाँ इन जी सबको जी नहीं ला जी सकते है ना। जी नहीं 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 बहुत नहीं नहीं बहुत ये ही धर्म की, ये बढ़िया धर्म आपने जवाब ये धर्म दिया। जी ये धर्म की कैटेगरी में नहीं आते, असल में धर्म के नाम पर कुछ गलत काम कर लेते हैं लोग। धर्म वो तो तो अलग, है। अब बताया नहीं, धर्म तो ये धारण करने की चीज होती है। अब मान लीजिए अगर वेदों की बात करें, उसे अगर साइंस निकला है तो अभी आयुर्वेद की बात करें आप, आयुर्वेद में ये बहुत अच्छा, ये अच्छी तरह से कौन है? बढ़ वन सेकंड ना, राम प्रकाश ओके अच्छा शर्मा जी ने सुपर स्टिकर भेजा है। खैर नहीं थैंक्स। जी, हाँ, तो मैम अगर बात करी जाए धर्म के, धर्म से ही अगर मान लीजिए अगर सनातन धर्म कुछ किताब मानी जाए जो कि वेद है, या फिर कुछ मानी जाए, तो वेदों से कुछ निकला है आयुर्वेद ही निकला है, वेदों का पार्ट एक आयुर्वेद है, और वेदों से निकला एक योग है। अगर आप ऋग्वेद के कुछ पार्टों को पढ़ेंगे तो वहीं से आयुर्वेद की जननी मानी जाती है ऋग्वेद, तो हम पढ़ेंगे आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद मैम बॉडी को बहुत अच्छी तरह से समझा गया है कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, कैसे बॉडी का नेचर काम करता है, किस प्रकार हम रोग दूर कर सकते हैं, किस प्रकार औषधियां बनती हैं, औषधियां कब ज्यादा पनपती हैं, किसके प्रकाश में, यानी चंद्रमा के प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश में, तो ये सब साइंस तो है ना, ये सब अब मुझे वैज्ञानिक चीज पता नहीं, है। मैंने वेद तो पढ़े नहीं है। जी नहीं आपने नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो औषधियां हैं उनको ये माना जाता है कि सोम सोम कहते हैं चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के प्रकाश में जो औषधियां हैं वो पनपती है, पनपने का मतलब वो अपने आप को मैच्योर करती है। अच्छा, मैं जी आपसे पूछूं, पौराणिक जितने भी ग्रंथ हैं आप उसको फिर नहीं मानते होंगे मेरे ख्याल से। देखिए हर चीज गलत नहीं होती, उसमें कुछ ज्यादातर चीज खराब है, लेकिन कुछ चीजों का अपना एक कहिए तो घुमा फिर के बात कही जाती है, तो वो कुछ सही हो सकता है ना। मैं हर चीज को तो गलत नहीं मानता, क्योंकि कुछ चीजें ज्यादा खराब में भी सही होती है। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर वो एक्सेप्टेबल चीज है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि फिर हर चीज को डिनाई करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने पत्थर वत्थर तो पूछते नहीं होंगे फिर तो। जी नहीं, पत्थर तो नहीं पूछता। और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मानते होंगे फिर तो। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मैं ये सब नहीं मानता। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और आपकी बात बहुत क्लियर है, वेरी नाइस थैंक यू। अब जी। मैम बात की जाए, देखिए जे हमारे अब हमारे माने जाएंगे, हम सब लोगों के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने किसी ने परमाणु की खोज की, किसी ने जो सिद्धांत दिया था किसका, ये ज्योमेट्री की खोज हुई थी, जीरो की खोज हुई थी मैम, है ना। उसके बाद नहीं नहीं योग इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि हम भारतीयों के खून में विज्ञान पहले से, जी हम मैम, है लोग ना, तो वही है भारतीय जो तो है जी वो पहले से ही वैज्ञानिक मत वाले हैं। और हमारे देखो नासा इतना आगे बढ़ गया, अब वो सारे नासा में देखो सारे जो है वो अमेरिकी नहीं है, वो उसमें बहुत अधिकतर जो है हाँ। वो है भारतीय है ना, अच्छा हिंद मैम के हैं आपने वो शायद लोग। एक जी एक आपने शायद किताब सुनी हो, उसका नाम है वेद विज्ञान आलोक, उनके जो रचयिता हैं वो नहीं अग्निव्रत नहीं नैष्टिक, सुनी। अग्निव्रत जी अग्निव्रत नैष्टिक है मैम, कभी आपको टाइम मिले तो आप उसके बारे में जरा पढ़िए। तो उन्होंने बताया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो उन्होंने अपनी थ्योरी नहीं दी, उन्होंने जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसको डिकोड किया है, एक वैज्ञानिक भाष्य किया है। तो अगर ऐसे सब चीजों का भाष्य विज्ञान के रूप में किया जाए तो मैम ये तो समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि वो धर्म धर्म से ही विज्ञान निकली है, तो ये इसका मतलब तो ये है कि धर्म और विज्ञान एक ही चीज है, क्योंकि जो धर्म है वो धारण करते हैं, धारण वही होता है सत्य होता है मैम, तो धर्म और विज्ञान अलग नहीं है मैम, धर्म और विज्ञान तो एक ही होता है। अगर धर्म को अलग तरीके से डिफाइन किया जाए तो फिर मैम बिल्कुल तो वो अलग हो जाता है कि किसी को दबाना, अच्छा, किसी के कोई ऊपर गलत कब्जा। चीज को धारण करे तो वो भी धर्म है। जी मैम धारण नहीं, गलत चीज को धारण, जो धारण करने के योग्य योग्य वही कहलाता है जो अच्छी चीज हो मैम।
नहीं तो कई लोग गलत चीज को भी धारण करते हैं ना। वो युग नहीं है, गलत चीज धारण करने को युग नहीं है ना, युग वही योग्य होगी नहीं अच्छी है चीज। देखो, ऐसा नहीं, आप बोले धारण करने योग्य है, वो धर्म है। हाँ, जो कि एक पॉजिटिव वे में आए। अब आप कहेंगी ऐसा क्या है कि अब मैं शराब भी पी लूं तो क्या वो धारण करने योग्य नहीं है? देखिए मैम, शराब अगर आप कुछ कम मात्रा में पियेंगे तो वो आपको धारण करने के योग्य हो सकती है, अगर उसकी अति मात्रा कर देंगे तो वो आपको बेकार होगी। मैंने भी थी अरे वो बात एक सही है, मैं काफी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा आप नहीं देते? हाँ, आप खाना भी तो खाना तो खाती हैं, अगर खाना एक निश्चित रूप में खाया जाए तो आपकी बॉडी को धारण करेगा। अगर आप वही खाना आप रॉन्ग वे में खाएं, अगर वृद्ध आहार खाएं, तो फिर आपको वही खाना बीमार कर देगा। आपको धारण तो है क्या, आपको सब कुछ खराब कर देगा। चलिए ठीक है, आपका जो वो है क्लियर है, आपका धारण धारण करने वाला मुझे तो खैर ये सब चीजें जो है वो ठीक से समझ नहीं आती है ना, चलिए तो खैर, उस समय सिंपल मैम ये जी समझ लीजिए, देखिए अब सूर्य है, सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। अब उसका धर्म बनता है कि वो ऊर्जा निकाले, E बराबर MC स्क्वायर, एक धर्म बनता है, उसी से काम करता है मैम, तो वही सत्य है। MC का स्क्वायर नाभिकीय संलयन के लिए सूत्र है ये। नहीं, नाभिकीय संलयन के लिए नहीं है ये, नाभिकीय विखंडन के लिए होता है मैम। नाभिकीय विखंडन के लिए होता है ये। हाँ जी मैम, अगर किसी मास को हम एनर्जी में चेंज करते हैं उसके लिए होता ही है। तो अगर वहां पर नाभिक संलयन क्रिया हो रही है मैम, वहां पे एक मास कम हो रहा है, उससे ऊर्जा निकल रही है। संलयन में जुड़ता है, कम नहीं होता, जी मैम, संलयन में जुड़ता है और विखंडन में अलग अलग होते हैं विखंडन में उसके एटम। टूटता जी है ना। टूटता हाँ है, अभी तो लेकिन बोले मैम जो जुड़ता है। मास होता है, सॉरी मैं ये कह रहा हूँ, मास जो होता है वो एनर्जी में चेंज होता है मैम। तो जहां कहीं भी अगर मास घट रहा है, सूर्य अब संलयन हो रहा है, तो जो दो परमाणु मिल रहे हैं उसके बाद उसका जो द्रव्यमान है वो कम हो रहा है मैम। अब वो द्रव्यमान कहाँ जा रहा है, वो एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो सीधी सी बात है मैम, एनर्जी में चेंज होगा तो प्रकाश भी निकलेगी, कुछ ऊष्मा निकलेगी, वही उसका धर्म है। पृथ्वी लगातार घूम रही है, इसका धर्म है। उसी प्रकार हम, यहाँ पर ये हमारे सब कोई तो धर्म होते मेरे ये सब मेरे दिमाग से मेरे समझ नहीं आ रहा। मुझे पृथ्वी उसका घूमना उसका धर्म है, हैं? ऐसे पिंड है जो चलिए, घूमते नहीं है तैरते हैं बस, मतलब कि वो अपने सराउंडिंग नहीं घूमते बस वो ऐसे हाँ। करते हैं। तो आप बोलोगे उसका वो खड़ा रहना भी उसका धर्म है, तो आप तो हर चीज को अपने हिसाब से ही वो कर लोगे, तो इस चीज पे बहस नहीं कर सकते हम लोग, आप सब चीज को एक्सेप्ट करते जाओ। मैं भाई तो कह रहा हूँ, जो सही जो सत्य है उसको एक्सेप्ट किया जाए, वही मैम धर्म कहलाता है, वही धारण करने के लिए वो जी वही जी धर्म है, जी वही अच्छा जी है, जो जी समाज को एक बहुत स्वस्थ समाज दे, तो नहीं, वही एक आपके अच्छा है। विचार बहुत अच्छी बात है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी मजहब से, बस वो देखिए समाज का मैम, नाश ना मजहब करे। हजब ये तो सब फालतू की चीजें, ये बाद में सब ड्रामा सब हुआ है मैम, ये कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर जो समाज के लिए अच्छी चीज, जो समाज के विकास के लिए और समाज को एक स्वस्थ समाज देना, तो मैम भाई एक अच्छी चीज है, वही एक धर्म कहलाता है, वही होना चाहिए। जी, जी, ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके वेलकम। और कुछ पूछना चाहेंगे नहीं मुझे कोई डाउट नहीं है। मैम? ठीक है। हेलो, बढ़िया, हाँ आप बताएं। मैम, आप कैसे हो? आप किस बढ़िया, स्टेट चल फिर रही हूँ। हाँ से? नहीं, आपका स्टेट कहाँ, आप स्टेट किस स्टेट से हो आप, मैं पूछ रहा मैं तमिलनाडु से। हाँ था। हाँ तमिलनाडु से? अजूर बोल रहे हैं, जी, तमिलनाडु में मुस्लिम भी हिंदी नहीं, हिंदी नहीं, आप तो हिंदी मीडियम से पढ़े हो, हिंदी मीडियम तमिलनाडु से में पढ़े कहाँ हो, हिंदी तमिलनाडु पढ़ाया जाता है। में कहाँ। अरे वहां जिब्रेल आते थे मुझे बताने के लिए हिंदी। जी अपनी बात रखें आप। मैं उड़ीसा से हूँ, मतलब और कुछ बोलने आपको के लिए आए होंगे मतलब, या ऐसे ही। हाँ नहीं, आप आपके बारे में पूछ रहा था कि आपको डर नहीं लगता कि मतलब आप छुप छुप क्यों करते हैं, कभी कोई डाउट नहीं करता क्या है? नहीं, ऐसे नहीं है। और मैं कंफर्टेबल टाइम देख करके ये सब करती, कहीं पर भी बैठ के सब नहीं करती, घर पे भी जब कोई नहीं होता या फिर वो लोग बहुत बिजी हो जाते हैं तो मैं ये सब करती। ठीक है, बहुत क्या बोलते हैं,
सेफ्टी देख के आप कीजिए, नहीं तो कोई पकड़ लेगा तो शायद कुछ बुरा भी हो सकता है। आई नो दैट। ठीक है मैम, थैंक यू, लिख कर रहा हूँ। ये क्या है, हरी टिड्डियां ज्यादा सक्रिय है धर्म परिवर्तन के लिए, वे ये अपना काम करें। ये हरी टिड्डियां किसको कह रहे हैं राहुल जोन जी? कौर है ये? 10,000 साल पहले रावण के पास पुष्पक विमान था, यानी कि हवा में उड़ने वाला विमान। उस टाइम कौन सा रिलीजन था आज के टाइम के हिसाब से? अच्छा, मतलब कि रावण के पास पुष्पक विमान था उड़ने वाला, और श्रीलंका वालों को पता ही नहीं है आज। ये है अंधविश्वास कि रावण के पास पुष्पक विमान था और श्रीलंका वालों को कुछ नहीं पता। अगर पुष्पक विमान उनके पास पास होता तो आज उनको नॉलेज होती, जानकारी होती कि वो जो विमान है वो कैसे बनाई जाती है, कैसे उड़ती है, उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, ये सब उनको पता होता अगर सच में ऐसी बातें होती तो, है ना। तो प्लीज अंधविश्वास मत बनो, सिर्फ किसी बात को सुन करके बिना देखे, बिना साक्ष्य, बिना सबूत के उस चीज को एक्सेप्ट करना अंधविश्वास कहलाता है। जैसे कि अगर आप किसी मुस्लिम से कहोगे आप जिन पे विश्वास करते हो, बोलोगे हाँ। अल्लाह पे विश्वास करते हो, बोले हाँ। नबी पे विश्वास करते हो, बोले हाँ। चलो अल्लाह नबी तो दूसरा मैटर हो गया, वो जिन पे भी विश्वास करते हैं, जिनको कभी उसके बाप ने भी नहीं देखा होगा लेकिन वो जिन पे विश्वास करता है। वो जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इज़राइल जो फरिश्ते हैं उन पे यकीन करता है। वो नकीर मुनकिर पे यकीन करता है। वो कब्र के बाद अगर जो नकीर मुनकिर आके सवाल पूछेंगे वो उस पर भी यकीन करता है कि नकीर मुनकिर आएंगे और उनसे सवालात करेंगे। हालांकि वो अपने जीवन में देख रहा है कि कोई भी बंदा मरने के बाद मुर्दा नहीं बोलता, लेकिन वो यकीन कर रहा है। और यही जो बिना साक्ष्य के जो यकीन है, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। और उसी अंधविश्वास को ये लोग बोलते हैं ईमान, यानी कि बिना देखे सुने समझे उस घपोड़ बातें पे जिसमें अल्लाह जो है वो एक घोड़ी गधी भेजता है, जिसमें वो नबी बैठ करके सातों आसमान के चक्कर काटता है, और वो गधी भी जिंदा बच के नीचे आ जाती है, वो नबी भी जिंदा बच के नीचे आ जाता है। इसको वो लोग बोलते हैं कि हम पे, हम इनका ईमान है हम पे इस पर, यानी कि ना सिर है ना पैर है, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जिसकी वजह से हम इनके इस्लाम को, इनके उड़ने वाली गधी को, इनके नबी को, इनके जो भी थॉट्स है इनके इस्लामिक, इसके कोई भी सबूत नहीं है, फिर भी हम इनकी बातों को एक्सेप्ट करें और यही इनका ईमान है। ऐसे अलौकिक ऐसी चीजें जो इस लोक में ना होकर के उस लोक की बात होती है, यानी कि पृथ्वी से परे की जो बात होती है उसको हिंदी में कहते हैं अलौकिक, इस लोक से परे की बात। तो वो तो अलौकिक बात तो हम लोग एक शब्द के लिए बोल भी सकते हैं कि अलौकिक चीजें होती है। क्यों? क्योंकि मल्टीवर्स की थ्योरी है, और थ्योरी है तो ये हाँ भी हो सकती है, ना भी हो सकती है। मल्टीवर्स की थ्योरी कहती है कि हमारे जैसे बहुत सारे पृथ्वी होंगे, तो हम अलौकिकता की बात कर सकते हैं कि इस लोक से अब परे एक और लोक होगा पृथ्वी जैसा, उससे भी और अलग अलग होगा। लेकिन ये जो सात आसमान, फिर गधी, फिर उसके ऊपर नबी और फिर जिब्राइल, ये सब उड़ के आए गए और उनको कुछ नहीं हुआ, ना सोलर विंड्स ने कुछ किया, ना जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है ना उस गधी को उड़ते हुए रोक पाया है, ना किसी वो उल्का पिंड से टकराए जाते समय, और फिर आसमान को फाड़ते पहले, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे करके सातों आसमान पे वो चले गए। इन सब चीजों पे यकीन करते हैं और ये कहते हैं फिर हमारे इस्लाम में साइंस है, विज्ञान है। ऐसे साइंस और ऐसे विज्ञान होगा तो फिर इनके जो बच्चे हैं वो कहीं पंचर ही लगाएंगे, बम ही फोड़ेंगे, कहीं जाकर के कोई अच्छा सा काम तो करने से रहे। और इस पर भी यकीन आएंगे कि देखो फलाना राष्ट्रपति था, फलाना
मिसाइल मैन जो अब्दुल कलाम साहब है उनको गिनाते हैं, तो अब्दुल कलाम साहब ने कौन सी गीता पढ़ी थी, कौन सी दाढ़ी रखी थी, कौन से इस्लाम को फॉलो करते थे। अगर वो इस्लाम को फॉलो करते, हदीस कुरान पे रहते, तो मिसाइल की जो है वो खोज नहीं करते, वो मिसाइल का यूज करते और खुद के ही देश को फोड़ लेते। खैर, अलग से एक और कमेंट है विकास सिंह का, धर्म से विज्ञान है और विज्ञान से धर्म है, पर सही धर्म और विज्ञान को अलग करके देखने वालों को दोनों अलग दिखेंगे। सिर्फ धर्म को मानने वाला अंधविश्वासी है, वैसे सिर्फ विज्ञान को मानने वाला भी अंधविश्वासी है। विकास सिंह, आप बिल्कुल गलत हो, सिर्फ साइंस को मानने वाला अंधविश्वासी कैसे हो सकता है। आप कुछ भी जो है वो बोले जा रहे हो, विज्ञान जो है वो सबको परिपूर्ण करता है, विज्ञान के बिना जो दूसरी चीजें हैं वो अपूर्ण है। कागज की जो खोज हुई थी वो वैज्ञानिक मतों से हुई थी, किसी इंसान ने खोज करी थी, है ना। तो कैसे कह सकते हो कि सिर्फ विज्ञान को मानना अंधविश्वास है। और कागज में ही वेद लिखे हैं, कागज में ही पुराण लिखे हैं, पहले के जो पांडुलिपियां हैं वो लकड़ी पे भी लिखी जाती थी। तो वो जो उनके पास ये दिमाग आया, उनके पास ये जो बुद्धि आई कि हम लोग कागज की जगह मतलब ये लकड़ियों पर और पत्तों पर ये जो हम लिखेंगे, तो वो उनके पास जो बुद्धि है वो कहाँ से आई। जो उनके पास ये बुद्धि है वही तो विज्ञान है। विज्ञान के माने दो होते हैं, कि विधिवत ज्ञान होता है, एक विशिष्ट ज्ञान होता है। और दोनों का मतलब होता है कि सतत स्वरूप में मनुष्य की वृद्धि होती है दिमाग के द्वारा, उनकी जो बुद्धि है वो विकसित होती है, जिससे वो नई नई खोज करते हैं, है ना। यही तो विज्ञान का सरल भाषा में वर्णन है। ठीक है, ये है दाव वैमनिका शास्त्र। इस शास्त्र ऑन द टॉपिक ऑफ वैमानस ऑफ और साइंस ऑफ एरोनॉटिक समथिंग्स आल्सो रेंडर्ड वनिका वनिका वनिका। ये क्या लिखा है? नहीं, वमनिका वैमेनिका और व्यामेनिका इस ऑन अर्ली 10th century टेक्स्ट इन संस्कृत, संस्कृत में लिखी हुई है, बस इतना ही समझ आया मुझे। ये देखो, विकास सिंह ने लिखा कि अब्दुल कलाम जी ने गीता पढ़कर प्रेरणा ली थी, ये भी हद है, यानी कुछ भी बोल दोगे आप। अगर लेना ही होता, प्रेरणा लेना होता, तो कुरान से भी प्रेरणा ले सकते थे और सबको शांत कर सकते थे, है। और गीता से अगर प्रेरणा लिए थे उन्होंने, तो कितने लोग हैं जिन्होंने गीता से प्रेरणा ले करके मिसाइल की खोज करी। चलिए ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये समय बहुत हो गया है और स्टीम जो है वो बंद करने का समय आ गया है। अगर आप लोग को कुछ बोलना हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और या तो आप सवाल कर सकते हो कमेंट पे, या तो अपने विचार रख सकते हो कमेंट पे, अपनी बात लिख सकते हो, मैं उसको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। किसी भी टाइप का जो सवाल होगा वो आप पूछ सकते हैं, है ना। और एक ने कहा कि आप क्या लंदन से हैं? नहीं, आप फेसबुक में मैंने वो लंदन इसलिए डाला है था, क्योंकि मैं अपना वो रियल वो नहीं डाल सकती ना, इसलिए। इसकी समझ में नहीं आएगा भाइयों, ये अभी इस्लाम को ट्रोमा से बाहर आई है, इसलिए इसका दिमाग अभी काम नहीं करेगा। मुझको मुझको बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू बोलने के लिए। हेलो विवेक जी, हाय मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं। हाँ, मैं तो आपका ये सुन रहा था, प्रोग्राम अच्छा है आपका। आप वो हो ना? हाँ, वही हूँ मैं। हाँ बोलिए। ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह से आपने बोला ना, ये भाई ने बोला ना, किसने बोला था मुझे नहीं पता है, कि साइंस और धर्म के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ना स्टार्टिंग तो धर्म की होती है। जो ज्ञान, देखो मैं बताता हूँ, कभी भी किसी भी चीज का अगर विकास होता है ना, या निर्माण होता है, तो कहीं ना कहीं
धर्म को किस तरह से लेते हैं लोग वो तो अलग मैटर है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से जो विज्ञान की उत्पत्ति हुई है ना सोच से ही पैदा होता है ना, तो मुझे तो लगता है कि लेना देना है धर्म का और विज्ञान का लेना देना है, लेकिन धर्म पे जो विश्वास करते हैं जिस तरह से ये जो होता है ना जिस तरह से इमेजिनेशन कर लेते हैं कि गॉड है और निश्चित है कि मान लेते हैं कि गॉड है ही, वो चीजें नहीं होती, वो बेवकूफी करते हैं सारे धर्म के लोग, लेकिन सोच से निर्माण होता है विज्ञान का, ये तो मानता हूँ। यही है ना, बिल्कुल बिल्कुल, विज्ञान जो है वो सोच से ही विज्ञान जो है वो पैदा होता है। बेहतर होगा कि धर्म से मानने से अच्छा कि लोग मेडिटेशन करें, बेहतर है कि दिमाग थोड़ा सा यूज होगा कहीं अच्छी जगह, लेकिन बाकी अगर जो धर्म की जो प्रैक्टिस करते हैं ना जिस तरह से अंधविश्वास में डूब के, चाहे वो हिंदू है या कोई मुस्लिम है, बेतुका एकदम बेतुका, इस पे तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। अब इसी में देखो नबी गए थे सातवें आसमान, अब वहां पर उनको हुक्म हुआ कि आप नमाज करो, 50 से घटाते घटाते 5वां। अब ये नमाज करते हैं कैसे करते हैं, खड़े हुए आंख बांधे घुटने में बैठे, फिर से नीचे पिछवाड़ा ऊपर, फिर ऊपर सिर, फिर नीचे, फिर बैठे, फिर पिछवाड़ा ऊपर, ये क्या करा रहे हैं, ये कैसी बात है, कैसी पूजा भक्ति प्रार्थना की पद्धति है। फिर ये लोग बोलेंगे ये कसरत है बोलेंगे, अरे लोगों को मिसगाइड करते हैं। और ये जो एक्चुअली जैसे अभी हिंदू में भी होता है ना, जैसे अभी बोला भाई ने कि विज्ञान का शुरुआत तो अब्दुल कलाम जी ने तो गीता से भी ले सकते थे, गीता से भी पढ़ के विज्ञानी बहुत से वैज्ञानिक बने हैं, कुछ भी नहीं हुआ यार, बेकार की बात है, बेकार की फेल है, सब झूठ बोलते हैं, तरह तरह से डिजाइन करके ना अपने कॉन्सेप्ट को बताते हैं यूट्यूब पर, हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो साइंस को उससे मिल सके, धार्मिक किताबों से बेवकूफ हरकतें हैं सारी। भाई मैंने तो बहुत पढ़ा है, मुझे तो यही लगा है कि कुछ भी विज्ञान के लायक नहीं है किताबों में, किसी भी धर्म की किताबों में। आपने गीता पढ़ी है? मैंने पढ़ा है, उसमें एक ही सच है, भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में एक कहा है कि वर्तमान की परिस्थिति में जियो जैसा समय है, इसका मतलब यही है। उसमें कहीं लिखा हुआ है कि मिसाइल कैसे बनाते हैं? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, बेकार की बात है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अभी के एक ये हमारे एक मित्र है कमेंट में, विकास सिंह नाम के, मैं उनका कमेंट दिखाऊं, उन्होंने कहा था कि वो गीता जी से श्रीमद जो भागवत गीता है ना, हाँ ये अब्दुल कलाम ने गीता पढ़कर प्रेरणा ली थी मिसाइल बनाने की, तो गीता में कृष्ण जी ने कहीं कहीं लिखा होगा कि भाई आप गीता में यहाँ पढ़ो, एज एन हिंदू आप हिंदू है, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन इतना ये जो है ना थोड़ा सा इतना ही रखो, अंधविश्वास अंधविश्वास इतना अंधविश्वास है, आपकी आइडेंटिटी है ना पीसफुल, तो बस इतना ही तक सहमत रहो इससे, लेकिन ज्यादा अग्रेसिवली अगर रिलीजन को फॉलो करोगे ना तो ऐसी ऐसी हरकतें निकल के आती हैं जो बदनामी का कारण बन जाती है, लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, उन पर सवाल उठते हैं, यार ऐसा तो है नहीं, तो ऐसा वाकई में कुछ है नहीं है गीता के अंदर की कोई मिसाइल ऐसी डिजाइन, ये परमाणु बम के बारे में सुनता हूँ कि न्यूक्लियर वेपन बनाया गया, मिसाइल बनाई गई, ऐसा कुछ भी है ही नहीं श्री कृष्ण। और सबसे बड़ी बात तो भगवान का कॉन्सेप्ट, देखो निराकार, भगवान ने शिव पुराण में कहा है कि मैं निराकार हूँ, और जिसका कोई आकार नहीं है उसकी कोई वास्तविकता होती नहीं है, वो किसी भी, लेकिन 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 उसी शिव पुराण के रुद्र संहिता में कहा गया है कि मैं साकार स्वरूप में प्रकट हुआ हूँ, जब वो शिवलिंग स्तंभ से प्रकट होता है तो वहीं पर कहते हैं ना शिव जी की, हाँ मैं तो प्रकट हुआ हूँ साकार रूप में, पहले निराकार था। मैम क्या है ना हमारे जो सीरियल्स होते हैं ना वो इन चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं मैं टीवी की बात नहीं कर रही, मैं रुद्र संहिता की बात कर रही, किताब पुराण संहिता की बात कर रही, मैं भी उस पे आ रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से उस चीज को कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया है ना वो लोगों के दिमाग में बहुत गहराई से टीवी सीरियल ने उतारा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि उसमें कहते हैं सिर्फ पुराण या वगैरह कह रही है कि मैं निराकार हूँ, और मेरा कुछ ऐसा, जब मान लो ना सिंपल सी बात, जब कोई निराकार होता है तो उसका कोई आकार नहीं, आकार नहीं तो फिर इंसान से कोई सामंजस्य से बैठा ही नहीं सकता बंदा, जिसकी कोई जिसका कोई आकार ही नहीं है उसका कोई इंसान से लेना देना है नहीं, चाहे तुम उसकी पूजा करो ना करो, मरो कहीं भी, कुछ कोई फायदा लेना देना होता नहीं, ठीक है ना, तुम्हारी नमाज काम कर सकती है। आपकी आवाज कट रही है आरजी, आपकी आवाज कट रही है। ओके ओके ओके, सवाल है सर, आपकी आवाज ना कट रही है, आपकी आवाज कट रही है जी, मेरा सवाल है, बोलिए बोलिए भाई। हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जैसे कि स्पेस है,
ठीक है, इसमें केस है नहीं। अच्छा भाई कुछ स्पेस स्पेस करके समझ में आ रहा है, बाकी कुछ और समझ में नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी पता नहीं चल रहा। आपकी आवाज बहुत ट्रबल कर रही है राघव सोलंकी जी। दोबारा ज्वाइन करता हूं, दोबारा ज्वाइन करता हूं। हाँ बिल्कुल। एक जी ने सवाल किया है, वासमीन जी एक विषय में आपसे चर्चा करनी थी, भला आपसे जीत जिद नहीं पा रहा, जुड़ नहीं पा रहा, ऐसे लिख रहे हैं। कोई और संपर्क सूत्र हो तो बताया, मैंने फेसबुक पे आपको मैसेज कर दिया, आपके अनुरोध है कि एक बार उसे जरूर देखें। अच्छा ठीक है अखिलेश रजक जी, मैं देख लूंगी आपके और फेसबुक के अनुरोध को, है ना। और वो चले गए वापस स्ट्रीम में आए तो एड करूँ। तो मेरा भाई हिंदू भाई से यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ना एजुकेशन साइंस से बिलीव करना जरा सीख लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे और हाँ आ रही है। विवेक जी से मेरा एक प्रश्न है कि स्पेस है या नहीं है। हाँ बिल्कुल है ना, सब कुछ है। स्पेस बोल रहे हैं सब कुछ नहीं, फिर आप क्या पूछना चाह रहे हैं बोलो ना। अब ये कहोगे भगवान है या नहीं है तो फिर मैं मना कर दूंगा, भगवान जैसी कोई चीज होती नहीं है। पक्के नास्तिक के अनुसार कहोगे ना भगवान, तो भगवान को तो इंसान को ही भगवान कहा जाता है। ईश्वर को जिसे तुम कहना चाह रहे हो ना कि ईश्वर है, वो तो निराकार हो गया। भगवान तो अवतार ले, अवतार मीन्स की पैदा होने वाले को अवतार कहते हैं, जो किसी के गर्भ से पैदा होता है, राइट, ये होता है अवतार लेना। हेलो, और वो संदेश वाहक होता है। विवेक बोलिए बोलिए सर बोलिए। आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल आ रही है मैडम, आवाज आ रही है मेरी। मैं ये जानना चाह रहा था कि स्पेस है या नहीं है। आपको क्या लगता है सर, स्पेस है या नहीं बताइए मुझे, आपको क्या लगता है? आप बताइए सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि हाँ है तो फिर आप क्या करेंगे, या सॉरी क्या जवाब देंगे इसका? आपको कहने से नहीं होगा ना, स्पेस तो है ना, स्पेस में ही तो सारी चीजें हैं, हम और आप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो स्पेस में ही तो एग्जिस्ट कर रहे हैं हम। तो मेरे भाई स्पेस पे बिलीव करो ना, स्पेस है जो चीज दिख रही है उस पर बिलीव करोगे या जो चीज है उस पर बिलीव करोगे? अरे सुन लो भाई, स्पेस है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दे दीजिए ना। हाँ बिल्कुल है, है। अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने एकदम सही जवाब दिया है कि स्पेस है, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स भी मानती है स्पेस को, पहले नहीं मानती थी, अब मानती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि स्पेस है। अब स्पेस साकार है कि निराकार है? निराकार है। आप कह रहे थे कि निराकार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा तो स्पेस साकार है कि निराकार है आपके हिसाब से? भाई ये तो पता नहीं यार क्या बोल रहे हो आप, क्या है आकार है निकार, निराकार है, लेकिन मैं तो आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम लोग आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं कि आप किस चीज के विद्यार्थी, मैं जानना चाहूंगा, मैं बताता हूं आपको, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। नहीं ये जो है ना, ये ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना, जो आपका क्वेश्चन है ना कि वो उसी के जवाब। सर मेरा क्वेश्चन फिजिक्स का है, कहीं का नहीं है। ओके 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 ठीक है, सर मैं तो बस बस आपने एक बात कही कि निराकार जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो मैंने एक उदाहरण लिया स्पेस का, स्पेस भी निराकार है, ठीक है ना, कोई आकार तो नहीं डिफाइन होता स्पेस का, लेकिन स्पेस है, एक फिजिकल क्वांटिटी है स्पेस। ओके लेकिन आप इसका पहले ओके ये डिसाइड कर सकते हैं आपके भगवान नाम की ईश्वर नाम की कोई चीज है? नहीं 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 नहीं, डोंट कंक्लूड लाइक दैट। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ आपकी जो सोच है उससे भी आगे कुछ है सत्य। अच्छा। आपकी जो सोच, आप जो वर्णन कर रहे हैं ना, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, तो आप आस्तिक बने रहिए। आस्तिक माने कुछ और भी सत्य है ऐसा मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला या ईश्वर को नहीं मानने वाला आस्तिक नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा अच्छा जी, तो आकार केवल आकार वाला ही सत्य होगा ऐसा नहीं है, निराकार भी सत्य होता है सर। सर श्रीमान मैं आस्तिक क्यों बना रहा हूँ, मैंने तो आज तक जितनी भी जिंदगी जी है मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि यार मैं आस्तिक बनने लायक है कुछ ऐसा। आस्तिक माने मैंने बताया, ये मानने वाला कि कुछ और भी सत्य, कोई सत्य हो सकता है।
यस्मीन जी को हंसी आ रही है, पता है? आप बताइए यस्मीन जी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो? देखो जी, मैं पहले बात बोलूं, देखो हम लोग इतने ज्यादा आधुनिक नहीं हुए हैं कि हम लोग ये पता कर पाए कि स्पेस जो है वो, क्योंकि बहुत विराट है अंतरिक्ष, बहुत विराट है, और जिस समय हम उसके बाह्य स्तर पे पहुंचेंगे तो हम जानेंगे कि इस स्तर के बाद, अंतरिक्ष के बाद जो है मैटर है, और इतना घनत्व वाला मैटर है कि इसके बाद स्पेस नहीं है। तो इस विधि से हम ये नहीं बता सकते कि स्पेस की आकृति क्या है, ठीक है? और हम लोग जब अत्याधुनिक हो जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हो सकता है ये स्पेस जो है वो एक ब्रह्मांड, उसके बाद अलग से और स्पेस है, उसमें अलग से ब्रह्मांड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। अच्छा, फिर चेतन तत्व भी है शरीर में, कोई ना कोई चेतनता भी है, ये भी आपको मानना होगा। उसी की खोज जो है ना, नहीं मान सकते क्यों? ये आप लोगों की दार्शनिक सोच है, है ना? वास्तविकता में चेतन जो है सिर्फ ये हमारा जो चलायमान दिमाग है वो है, इसमें हंसी खुशी, गाना रोना, फीलिंग्स, चाहे वो कैसी भी फीलिंग्स हो, सेक्सुअल फीलिंग्स हो, चाहे सैड वाली फीलिंग्स हो, कोई भी फीलिंग्स हो, सब हमारे दिमाग ही कंट्रोल करता है। देखने वाला भी दिमागी है, बोलने वाला भी दिमागी है, तंत्रिका तंत्र फेल हो जाती है, हाथ पैर हिलाने वाला भी कौन चल रहा है, हाँ, तो ये जो हाथ पैर हिलाने वाली चीजें है वो भी अंतरिक्ष ही, सॉरी दिमाग ही है। तो चेतन दिमाग निष्क्रिय हो जाता है तो इंसान जो है वो फिर निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है सर, आपका जवाब मिल गया होगा आपको, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी मिल गया। आपको मिल गया कि नहीं जवाब? सर आ रहे हैं, आपने ऐसा जवाब देना सर, मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं, आपको जवाब मिल गया कि नहीं स्पेस से? नहीं नहीं, स्पेस देखो क्या है ना, हम तो वो देखते हैं जो रियलिटी है, जिससे मतलब जो हमारे रियलिटी है। स्पेस सर रियलिटी तो है, रियलिटी है, लेकिन हम स्पेस से अब उसका कोई कनेक्शन बैठा के अपने माइंडसेट नहीं बना सकते ना कि गॉड है, उसको निश्चित कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जो चेतन वाला एस्पेक्ट रखा है उस पर बहुत लंबा विचार हो जाएगा, इसलिए मैं उसे छेड़ना भी नहीं चाह रहा है या नहीं है, क्योंकि जब आप सृष्टि के, मिनट सर थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए मुझे, एक मिनट आधा मिनट दे दीजिए आप। चेतन वाले जो पॉइंट है, देखिए जब सृष्टि की रचना जब हम करने के लिए जाएंगे ना, तो चेतन को पुरुष को मानना पड़ता है, नहीं तो उसका एवोल्यूशन सिद्ध नहीं होता। जैसे आपने लेजर की अवधारणा को, लेजर कैसे बनती है आपने शायद पता है या नहीं है, लेकिन मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूं तो मुझे मालूम है कि हमको टू लेवल सिस्टम जब होता है एनर्जी लेवल का, तो लेजर का उत्सर्जन नहीं हो सकता, उस लेजर के उत्सर्जन के लिए तीसरी स्टेट की आवश्यकता पड़ती है उसकी एग्जिस्टेंस की। ऐसे ही जब हम सृष्टि के एवोल्यूशन को जब हम एक्सप्लेन करने के लिए जाते हैं, तो चेतन तत्व को मानना पड़ता है। मैं इतना ही कहकर के इस विषय को, चेतन वाले को यही अंत करना चाहूंगा। अभी यस्मिन जी का ठीक है, अपना उनका विचार है, लेकिन जब हमने स्पेस का जो उदाहरण लिया है, मैंने विवेक जी के लिए लिया था, तो वो एक देखिए कहीं पर फिजिकल ऐसे देखने में नहीं आ रहा है, सूंघने में नहीं आ रहा है, पांचों इंद्रियों से परे है, लेकिन है, ठीक है। इसी स्पेस को विज्ञान आइंस्टीन के बाद मानने लगा है, एक फिजिकल क्वांटिटी करके माना। पहले विज्ञान नहीं मानता था स्पेस को फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन धर्म ने स्पेस को एक तत्व के रूप में माना। अच्छा जी, मनो आकाश में ये जो भौतिक जो आकाश है जिसको हम फिजिकल स्पेस कहते हैं, धर्म के अनुसार मनो आकाश में इसका उद्भव हुआ है। और अच्छा। चलिए ठीक है, इस आर्गुमेंट्स को यहीं रहने देते हैं, है ना? इस पर हम विषय पे नहीं जाएंगे, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मेरा इतना निवेदन है सर, मेरे तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है आपसे कि आप थोड़ा पॉजिटिव रहें, और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आपको भी ना थोड़ा सा ये धार्मिक चीजें ठीक है, मान्यता ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। इन्होंने जो कुछ भी बोला ना, वो सब जो है वो कुतर्क है। कुतर्क जानते हैं कि तर्क को आधार बना के उस गलत चीज को सही साबित करना। अब अंतरिक्ष है,
उसकी आकृति हमको पता नहीं है क्योंकि हम इतने वो नहीं हुए हैं, तो ये उस चीज को जिसने इतने सारे किताबों में ज्ञान दे रखा वेदों में उसको ये सही और सार्थक ठहरा रहा है, तो ये कुतर्क है इसका और उसका कोई मेल ही नहीं है। मैडम यस्मिन जी, ये वेदों में नहीं है, मैंने तो विज्ञान वेद के ज्ञान को ईश्वर ने दिया है ना, वेद वाले को मैंने लिया भी नहीं, चेतन वाला है, मैंने वो छोड़ दिया। मैं ये बोल रही, वेद का ज्ञान ईश्वर ने दिया है ना? नहीं 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 ईश्वर ने दिया है, प्रमाणिक ज्ञान है, नहीं वेदों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैंने इसलिए चेतन वाले पार्ट को हटा दिया। आप ये बताओ, आप ईश्वर मानते हो कि नहीं मानते हो ईश्वर, और वेद वाले ईश्वर को ईश्वर मानते हो कि किसी और को ईश्वर मानते हो? नहीं नहीं, जो जो चेतन है इस सृष्टि का, जो इसका उद्भव कैसे हुआ है सृष्टि का, वही ईश्वर है। सृष्टि का उद्भव? अच्छा, मतलब क्या वेद को तो नहीं मानते ना ईश्वरी किताब? नहीं, ऐसे कोई फिजिकल बैठा हुआ नहीं है कहीं पर भी, दो मैं हाथ आपसे दो पैर वाला। ये देखो तो मैं पूछ रही हूँ, आप वेद को तो नहीं मानते ना ईश्वरी किताब? वेद को तो ईश्वरी किताब नहीं मानते ना? नहीं नहीं, हम तो तर्क से खोजी हुई किताब मानते हैं। हाँ तो बस फिर तो आपकी आपसे कोई बहस नहीं हो सकती, आपको कोई धर्म ही नहीं है फिर तो। धर्म की मैं बात, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैंने पहले ही कहा। हाँ चलिए ठीक है, मैं धर्म नहीं हूँ, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। चलो अच्छी बात है, विज्ञान भी तर्क से आगे बढ़ती है, और कोई भी किताब एक्स वाई जेड अगर विज्ञान सिर्फ तर्क नहीं, उसके साथ जो है वो लॉजिक होती है, फैक्ट होती है और प्रूफ होती है, प्रूफ होती है, करेक्ट है ना? साक्ष्य के बिना सत्य स्थापित नहीं होता। साक्ष्य के बिना, हाँ साक्ष्य तो होना चाहिए, इसी को मैं भी मानता हूँ। नहीं नहीं, साक्ष्य के बिना सत्य स्थापित नहीं होता। नहीं, इसी को मैं भी मानता हूँ, एक्सपेरिमेंट को मैं भी मानता हूँ। चलिए ठीक है, और भी हमारे सदस्य हैं, उनको भी बोलने का मौका देते हैं। जी हाँ जी हाँ जी, चलिए श्रीमान, मैं भी चलता हूँ। जी जी जी, आप चलिए ठीक है, आप दोनों को अलविदा। ओके मैम। हेलो जी, नमस्ते। हाँ जी, ओमकार जाधव जी बोलिए। जी मैम, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। जी, और आपके कार्यक्रम के मतलब क्या बहुत से बार जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस बार जुड़ ही गए, जुड़ नहीं पाया। तो मैं आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, बोलिए जी। हेलो हेलो, आ रही है? हाँ आ रही है ना? हेलो आ रही है, आ रही है। जी जी जी, जो आप ये टॉपिक रखते हो ना, बहुत अच्छा है, इससे आपको मतलब लोगों को ज्ञान मिलता है। जी, और बाकी के हिस्ट्री जो भी है उसकी जो नॉलेज मिलती है लोगों को, अच्छी बात है, अच्छी बात। क्या टॉपिक, थोड़ा सा लेकिन किसके बारे में सुनना चाहते आप? कौन हंस रहे हैं? मैं सुनील। ये शख्स आए क्यों भाई, हंस क्यों रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये टॉपिक देख के नहीं आया है, ये इनको अपने साथ कुछ बात रखनी होगी, ऐसे ही वो आए हैं। नहीं, साइंस हाँ। के बारे और इसके बारे में, स्पेस और साइंस और ईश्वर के बारे में टॉपिक है। ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, धर्म है ना, इसमें हर मतलब आ जाते हैं। धर्म ही कनेक्टेड है ईश्वर के साथ, ही तो जुड़ा हुआ है। जो धर्म को मानते हो ईश्वर के साथ ही तो जुड़ा हुआ है, वरना धर्म किस चीज का नाम है? वाह, चलिए ठीक है, सुनील जी आप अपनी बात रखें, ये जो है वो थोड़े देखो है। ये जो है ना, सदियों से डिबेट चला रहा है। इधर दो काइंड ऑफ प्रजाति है यहाँ पर धरती पे, एक आस्तिक और एक नास्तिक। ये डिबेट सदियों से चलता रहा, आगे भी चलता रहेगा। एक ने तो बताया कि स्पेस निराकार है, इसको तो समझना चाहिए कि स्पेस तो पूरा निराकार है, इट्स एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, कुछ है ही नहीं वहां पर, स्थान ही नहीं है, रिक्त स्थान बोलते हैं जिसको, और इसको जिसको लोग ब्रह्मांड भी बोलते हैं। और रही बात उनका दूसरा, एक क्या था उसका नाम पता भूल गया मैं। बेसिकली देखा जाएगा तो देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन दिस। एक्चुअली देखा जाएगा ज्ञान जो है ना, एक पहली बात समझने की जरूरत है,
साइंस भी है ना ईश्वर के सामने घुटने टेक देता है, जब जब सब कुछ फेल हो जाता है दुनिया में तो लोग डॉक्टर्स जो ऑपरेशन टेबल पे जो पेशेंट को पागल 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 हो साइंस घुटने टेक देता है ये कैसे मैं बता रहा हूँ वही पागल तो तुमको बता देता हूँ कैसे है जब वो वही डॉक्टर लोग है ना वही डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं हाल में हमने अपनी कोशिश तो पूरी कर दी बाकी ऊपर वाले के हाथ में ये डॉक्टर कहते हुए मैंने सुना अच्छा अब कोई क्यों बोलते हैं बोले सुनो सुनो मेरी बात भी सुन लो कोई मुस्लिम डॉक्टर बोले कोशिश तो मैंने बहुत की अब अल्लाह के हाथ में है तो क्या ये माने कि अल्लाह के हाथ में नहीं अल्लाह तो है ही नहीं पहली बात तो वो तो एक पॉलिटिकल एंटिटी है तो जो रिलीजियस लोग हैं वो अपने अपने खुदा बंदे आलम को कहते हैं कि उनके हाथ में इसका मतलब ये साबित नहीं हो जाता कि आपका रिलीजन का जो खुदा है अल्लाह है एक साइंटिस्ट ने कहा है क्या बोलता है वो बोल रहा है पता है वो बोलता है मैनकाइंड्स नॉलेज इज वन पोर्शन ऑफ द सैंड व्हाइल द एंटायर ओशन लाइज अनएक्सप्लोर्ड जहां से इंसान की सोच समझ खत्म होती है वहीं से उनका उसकी समझ शुरू होती है उसको पाना इतना आसान नहीं है ना जानना इतना आसान नहीं है बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा है कि खुदा नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में किसी भी साइंस तो देखो साइंस की जहां तक बात करेंगे ना साइंस नहीं मानता है पहली बात ये बात समझ के चलो वो हमारे बहुत महान वैज्ञानिक सर स्टीफन हॉकिंग है बिल्कुल बिल्कुल वो तो ब्लैक होल्स पे सब थियरी का सब पता है मुझे मैं ये बात करना चाहती हूँ दो प्रजाति एक्सिस्ट करते हैं धरती पर एक नास्तिक जिसको और एक दूसरा आस्तिक साइंस वाले लोग ज्यादातर जो साइंस में बिलीव करते हैं नास्तिक ठीक है उनकी अपनी सोच है उसको जीने दीजिए संतोष पांडे जी आपकी वीडियो ऑन है जो बिलीव करते हैं वो अपनी खुश है क्योंकि देखो हर धर्म कर्म में हाँ बोलिए बोलिए संतोष जी बोलना मुझे ये है सर कि मेरा नाम है संतोष पांडे तो नाम से आपको पता चल गया मैं हिंदू हूँ ब्राह्मण भी हूँ और मैं हिंदू और ब्राह्मण क्यों हूँ उसकी वजह यह है कि मेरे माता पिता हिंदू थे ब्राह्मण थे उन्हीं से मैं पैदा हुआ और उसी धर्म में मैं रह रहा हूँ और तो कुछ मुझे मालूम नहीं है मैं मंदिर जाता हूँ पूजा भी करता हूँ ईश्वर है या नहीं है मुझे नहीं मालूम वाह ज्ञान की बात यह है कि हम लोग जो है जो बात कर रहे हैं यही सबसे बड़ा सबूत है विज्ञान की अब अगर ईश्वर है मान लीजिए ईश्वर है तो उससे बड़े शर्म की बात कोई हो ही नहीं यह भी वाह बेहतरीन सुन लो ग्रुप वालों ईश्वर है अगर वो है तो जो हमारी मान्यता है वो सब कुछ कर सकता है और उसके ईश्वर है इच्छा के बगैर अभी नहीं हिल सकता तो बच्चियों का रेप हो रहा है बेशक और वो भी जो प्रवचन करता है जो फतवाज है वही रेप कर रहे हैं आपको तो सैल्यूट है संतोष पांडे जी बेहतरीन तो यही बात है हाँ मैं मंदिर जाता हूँ सर मेरे लड़के की शादी होगी तो उसी जो हिंदू विधान से होता है उसी से होगी अब इसको मेरी कमजोरी समझिए मुझमें हिम्मत नहीं उससे निकलने की या जो चल रहा है चलो तो किसी को ठग तो नहीं पहुंचा रहा है यह सोच है लेकिन ईश्वर है तो उससे बड़े शर्म की दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती इस दुनिया में बस यही मान लीजिए कोई इनको मैं खाऊं तो आप मुझे खाना देंगे अगर नहीं दे रहे तो गलत है आप लेकिन जब इसका जवाब है इनका नहीं दे रहा है भूख से बच्चे मर रहे हैं नहीं देखो क्या है मैं बताया पहली बात दो जात के लोग है धरती पर एक आस्तिक है एक नास्तिक है वो अपने अपनी दुनिया में खुश है इसमें डिबेट की बात ही नहीं आ जाती मैं उन दोनों में नहीं हूं कैसे डिबेट की बात नहीं आएगी जी देखो सब लोग सही है सब लोग गलत नहीं हो सकते कोई इंसान किसी का रेप करता तो उसने रेप सही किया है नहीं रेप की बात नहीं आ रही है मैं आपको और रेप गलत किया है दोनों सही नहीं हो सकते गलत 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 या तो खुदा है या तो साइंस बात पे नहीं कर सकता नहीं हमारी हमारी समझ हमारी अक्ल हमारी साइंस जो है ना इतनी अभी शक्तिशाली नहीं हुई है कि ईश्वर को हम जान सके पहली बात तो यह है हमारी जो समझ जो है उतनी गहरी नहीं हम थोड़ी बहुत अभी तक अभी तो थोड़ी बहुत हम निकाल पाए 8 अरब और लगभग 8 अरब से अधिक मर गए होंगे हेलो एक मिनट ईश्वर को जानने वाला कोई आया देखिए हेलो सर ईश्वर ईश्वर जो है ना ईश्वर जो धर्म में जो ईश्वर है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कोई दो हाथ पैर दो पैर वाला
जैसे अल्लाह की जो अवधारणा की गई वो उनकी आकृति राघव रुको 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 राघव जी राघव जी मैं बात कर रहा था रुको 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 थोड़ा रुको रुको मेरी बात मेरी बात सुनो राघव जी संतोष जी ये नहीं कह रहे कि ईश्वर का हाथ है कि पैर है कि साकार है कि निराकार है वो ये कह रहे कि अगर ईश्वर इस संसार में मौजूद है या कोई भी खुदा अल्लाह संसार में मौजूद है तो फिर सबसे शर्म की बड़ी बात यही होगी। ईश्वर जो बस ये कह रहे हैं जो ईश्वर है एक मिनट यहाँ हम कंफ्यूज हैं। मुझे मुझे जो समझ में आ रहा है ईश्वर की अवधारणा को लेकर के जो हमारे धर्म में जो ईश्वर जो है ना वो एक्चुअल में कण कण में व्याप्त है। नहीं नहीं ये गलत है। नहीं आप संतोष जी का तात्पर्य नहीं है। सुनो मेरी बात नहीं मैं आपको पहले क्लियर कर दूं संतोष जी की बात मैं क्लियर करूं शक्ति संतोष जी यही नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर मूर्ति स्वरूप में है कि संसार के कण कण में व्याप्त है। संतोष जी ये कह रहे हैं कि अगर ईश्वर है चाहे वो मूर्ति स्वरूप में हो या कण कण में व्याप्त हो अगर उनका वजूद है तो वो बहुत बड़ी शर्म की बात है। बस वो ये वजूद केवल ईश्वर का ही है। चेतन का ही है। मतलब ईश्वर ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है चेतन का ही उसमें 84 लाख योनियां बनाई है हर एक को जीने का अधिकार है। सर मुझे आप सुनेंगे एक मिनट के लिए आपको जो भिन्न भिन्न पदार्थ यहाँ पर जो दिख रहे हैं देखिए भौतिकवाद की जो फिजिकल जो हमारी वो ईश्वर नहीं वो ईश्वर की शक्ति है। सर एक मिनट सुन लीजिए सर एक मिनट सुन लीजिए सर जाके नहीं हो रहे हो सर एक मिनट सुन लीजिए मुझे एक मिनट मुझे मौका दीजिए ठीक है जी बोलिए। इसका जो एकत्व है फिजिकल वर्ड का जो एकत्व है ना फिजिकल वर्ड में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा कुछ और है क्या मुझे ये बताएंगे फिजिकल में जो भौतिक जो जगत दिख रहा है आपको जी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा कुछ और है क्या। नहीं नहीं अपनी तो साइंस की सोच अलग है आध्यात्मिक सोच अलग है सर एक ही सोच है ये अलग अलग नहीं है सर। साइंस की और धर्म की सोच एक ही है अलग अलग नहीं है सर एक ही है उसके ऊपर साइंस अभी तक रिसर्च कर रहा है ऐसी ऐसी चीजें है उसके ऊपर दिमाग के बाहर की बातें है। रुको रुको ओमकार जी रुको राघव जी सुनो मेरी बात आपका जो आप जिस खुदा की बात कर रहे हैं क्या वो विचार कर सकता है खुदा क्यों मैं तो मान ही नहीं रहा उसे कोई ऐसा बैठा हुआ है कि दो हाथ दो पैर लिए वाला। हाँ तो जो आपका बैठा जगत हाँ, जिस पर आधारित है वो है हाँ, चेतन तत्व है जिस पर सुनो सुनो जिस पर आपका जगत आधारित है क्या वो विचार कर सकता है। बिल्कुल वो सत चित आनंद स्वरूप है जब वो विचार कर सकता है जब वो विचार कर सकता है तो उसके पास विचार करने के लिए क्या होने चाहिए। नहीं उसमें हेलो एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ मैम विचार कर सकता है इनको विचार कैसे किया ना उसने मन के थ्रू जवाब देने दीजिए मैं आंसर मन 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 क्या है मन के थ्रू विचार मन का मन दिमाग मन, में मन का विकास हुआ है जो अलग अलग विभाग है उसमें उद्दीपन के कारण हार्मोन्स जो है वो अलग अलग फीलिंग्स और विचारों को सामने लाते हैं। तो अगर आपकी अगर आपके जो भी खुदा है अल्लाह है नहीं आप कुछ भी रूप में डिफाइन करो उसको साकार निराकार जो भी है अगर वो सोच सकते हैं विचार कर सकते हैं सृष्टि की रचना कर सकते हैं तो वो साकार होंगी उनकी बॉडी होगी विचार करते हैं तो उसके हार्मोन्स होंगे दिमाग के अलग विभाग होंगे है ना। अगर सब चीज का निर्माण करते हैं वो तो उनके पास वो चीजें होनी चाहिए जो उस चीज को करती है तो इससे आपका जो कथा है कहानी है वो छोटी साबित होती है साफ साफ क्लियरली। विचार आप कह रही हैं कि हार्मोन्स का विकास है ठीक है ये हार्मोन का विकास कैसे हुआ ये सिमुलेशन कैसे हुआ है। हेलो वो वैज्ञानिक हेलो ये सिमुलेशन कैसे हुआ है। हेलो देखिए भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं
प्रकृति जो है ना, प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जो जो यास्मीन जी जिस बात को रखना चाह रही हैं, वो कहना चाह रही हैं कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अपने आप सृष्टि ऐसी हो गई है। हेलो, आवाज आ रही है यास्मीन जी? भगवत गीता में एक श्लोक आता है, गुणा गुण ही गुणों में बरतते हैं, यानी कि सृष्टि अपने आप ऐसे इवॉल्व हो रही है। लेकिन जब आप केवल सृष्टि को ले लेंगी, जो कि जिसमें चेतन तत्व नहीं है, केवल जड़ है, उसमें इवोल्यूशन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए चेतन तत्व को मानना पड़ता है। लेकिन चेतन तत्व को स्वीकार करना पड़ता है साइंटिफिकली आपको, कि कोई चेतन तत्व भी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि कोई चेतन तत्व है जिसने सृष्टि। हम अचेतन तत्व से दुनिया में कोई भी चीज बना के दिखा दें आपको, जीव जो जीवित चीज है उसको भी, जो जो निर्जीव, जो निर्जीव चीज है उससे भी हम सजीव बना देंगे। आप बोलो मुझे। हेलो हेलो, हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पर केमिकल से जो निर्जीव चीज है उससे हमने जीवित चीज बना दी। जैसे हेलो हेलो, साइंटिफिक बैक्टीरिया ऑमलेट बना के खा जाते हैं, मशीन में जाते ही बच्चे आ जाते हैं, इसका क्या जवाब? हेलो, उसको जन्म लेना ही था। आवाज आ रही है जी? हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये सवाल है जी मेरा एक, क्या साइंस मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है? ये क्या मुसलमानों वाले सवाल लेकर आ गए? नहीं, मुस्लिमों वाले नहीं है जी सवाल, एक सवाल सवाल होता है, सवाल सवाल होता है। चलिए चलिए ठीक है, नहीं कर, मैं आपको, मैं आपको जवाब देती हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग मृत्यु को रोक देंगे। कभी नहीं रोक सकते जी, आप वो समय दिखा देना जिंदगी में। मृत्यु को रोक देंगे मेरे से लिख, ये तो आप ये बताओ, आप ये बताओ, मेरे से लिख के ले लो, मुझसे लिख के ले लो, इस टाइम पे पेपर पे लिख के ले लो, एक बात सुनो जी, आप आपका भ्रम है जी, एक बार बीमारी है कुछ है तो उसके लिए उपाय हो सकता है। आप कैसे कर सकते हो जी? मृत्यु के, मृत्यु ही नहीं होगी, मृत्यु होने वाले शरीर को रोक नहीं सकते, हो ही नहीं सकता जी, नहीं होगी। ये बताओ, ये हमारी असल में आगे आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, मृत्यु को भी आज तक नहीं हुआ, आगे होगा, लेकिन आगे होगा, लेकिन ये ये दुनिया कितने सालों से चली आ रही है आपको पता है ना? आज तक कोई है जिंदा भाई? ये इतने साल ये जिंदा है? अरे आगे होगा ना, पहले पहले के लोग हवा में उड़ते भी नहीं थे, अभी के लोग उड़ते हैं, पहले के लोग कार में उड़ने के अलग बात है, पहले के लोग बीमारी में नहीं मरते, हर चीज संभव इस संसार में, ऐसा कोई भी चीज नहीं जो असंभव हो, सब चीज संभव है, केवल नहीं हो सकता जी, आज ही संभव कैसे हो सकता है जी? आप ये बताओ, पहले एक रुको रुको रुको, ओमकाजी ओमकाजी ना वो कम्यूट रखो, रवि ने रजी ये बताओ, पहले लड़के जो है वो माँ बनती थी? कौन है? लड़के जो है वो बच्चे पैदा करते थे पहले? वो हम नहीं कह रहे जी, साइंस ने तरक्की नहीं की, साइंस ने बहुत तरक्की की है। सुनो सुनो सुनो, हम ये नहीं कह रहे, सुनो 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 सुनो, रवि नेहरा जी, मैं रवि नेहरा जी, मैं जो कह रही हूं उसको मानना पड़ेगा। अरे अरे राखो सोलंकी जी, सुनो ना, अभी थोड़ा सा म्यूट रखो ना, रवि नेहरा जी मैं आपको माँ बना सकती हूँ, वो भी आप लड़के हो तो भी, बताओ आप बॉय हो तो भी आप बच्चे पैदा कर सकते हो? अच्छा आप ये बताओ, ये संभव है कि नहीं? नहीं नहीं, ये संभव है कि? मेरी बात तो सुनो जी, मेरी बात सुनो, ये संभव कैसे हुआ? अगर वो उसमें आप अगर आप उसमें वो यूट्रस नहीं डालोगे, यूट्रस कहाँ से आएगा? बना दोगे यूट्रस? बिल्कुल बना देंगे, बना लिया जी, ये तो की बात करते हो जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप रक्त, साइंस रक्त बना सकती है, रक्त क्यों लेते हो? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते, बिल्कुल आगे बना सकते, क्यों लोगों से लेना पड़ता है रक्त? आगे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग चिंता मत करो, टेंशन मत लो, रवि नेहरा जी आप ना अभी लड़के होकर भी बच्चे पैदा कर सकते हो, जब ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कैसे कर सकते हैं जी बताओ?
नहीं जादव जी, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना, बता दो आप बता दो। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए उसमें कोई सामान डाला जाएगा लड़के में, कोई सामान या लड़का वैसा ही कर सकता है क्या? सर जादव जी खुद ही बोलते रहोगे कि सुनोगे भी, आपने प्रश्न कर दिया, बहुत अच्छा बताओ, कर दिया। बताओ बताओ मैं ये कह रहा हूँ, जादव जी नहीं बोल रहे हैं, रविन्द्र जी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन जो भी बोल रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस आधार पर आप कुछ सिद्ध नहीं कर सकते। आपको, आप कह रहे हैं कि अभी नहीं हो रहा है, बाद में हो सकता है ना, इसलिए यस्मिन जी के तर्क को मानना पड़ेगा आपको। आपको अभी नहीं हो रहा है, इसी अभी नहीं हो रहा है, आगे हो सकता है, अभी नहीं जिंदा होगा। लेकिन अगर हम सत्य के खोजी, सर एक मिनट बोल, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, अगर हम सत्य के खोजी हैं, अगर हम सत्य को जानना चाहते हैं, तो हम ये कह के नहीं कि अभी ये काम नहीं हो रहा है, पहले कम्युनिकेशन नहीं होती थी, होने लग गई बाद में, पहले लोग कहते थे कम्युनिकेशन नहीं होगी। हो सकता है सत्य यही हो जो यस्मिन जी कह रही है, हो सकता है सत्य ये भी हो कि कोई चेतन तत्व है, तो उस चेतन हाँ, के इवोल्यूशन यही कह सकते हैं जी। देखो जी एक बात सुनो जी, अब एक मिनट सुनो तो जी, आप भी सुनो, आप भी सुनने का मदद रखो। नहीं मेरी बात, आप ये भी नहीं कह सकते, आप ये भी नहीं कह सकते आकर वैज्ञानिक ये कर ही देंगे, आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं कर देंगे, ये भी नहीं कह सकते कर देंगे, तो इसलिए हमने इस तर्क को हटा दिया, इस तर्क को लेके ही बताइए आप। हाँ, ये नहीं आपको गारंटी नहीं लेनी चाहिए ऐसा होगा। सर मेरी बात सुन लेंगे आप एक मिनट। हाँ ये जो है ना, यही मजहबों का डेवलपमेंट ऐसे ही हुआ है भय से, अज्ञानता से, क्योंकि हमारा ज्ञान पूरा नहीं था तो हमने मान लिया कि ऐसा करने वाला कोई है, ठीक है, लेकिन धर्म ऐसे नहीं बढ़ता है। निकलता जी ऐसा करने वाला है, सुनेंगे जी कि नहीं आप? ठीक है सुनेंगे, हाँ। सुन लेंगे कि नहीं मुझे? हाँ जी, धर्म का जो है, एक मिनट मुझे दो मिनट सुन लेंगे, मुझे दो मिनट सुन लीजिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। बोलो जी, सुन रहे हैं जी। ये जो आपका अज्ञान है इस बारे में, ये वैसी को हो रही है जी, करो ना थोड़ा समाधान इसका। चलो दोस्तों, हेलो, ये जो एक बात मुझे कहनी है, हेलो, एक बात मुझे कहनी है जी। पंकज जी, जी पंकज जी आप बोलो जी। हाँ, किन्हीं सज्जन ने अभी कहा था कि स्पेस निराकार है कि साकार है, दोनों में क्या है, कुछ उन्होंने ऐसी ही बात की थी, तो मैं बताना चाहूंगा, जब आप मैथमेटिक्स में रियल नंबर लाइन पढ़ते हैं तो वहाँ पॉजिटिव नंबर आते हैं, निगेटिव नंबर भी आते हैं और जीरो भी आता है, जिसे हम जीरो कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि जीरो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ना तो वो पॉजिटिव है ना वो निगेटिव है, वो जीरो है। जीरो मतलब जीरो। भारत ने जीरो का खोज किया, इसीलिए दुनिया में भारत ही एक कंट्री है जो इनलाइटमेंट की बात करता है, और कहीं भी जीरो नहीं है तो इनलाइटमेंट भी नहीं है, ये एक संयोग नहीं है पूरी तरीके से। एक मिनट, प्रश्न क्या है? हेलो, इनलाइटमेंट मतलब क्या होता है? इनलाइटमेंट मतलब जिसे आप मोक्ष कहते हैं, विलीन हो जाना, विलीन हो जाना। प्रश्न रखिए, मैथमेटिक्स में, रुकिए सर रुकिए, मैथमेटिक्स नहीं, प्रश्न नहीं, जिन सज्जन ने ये कहा था कि तो आकाश नहीं, है, ये निराकार है, साकार है, जी नहीं कहा था। नहीं नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा, आकाश मतलब स्पेस मतलब जीरो, स्पेस मतलब नथिंगनेस, ये फिजिक्स में जिसे स्पेस कहते हैं, मैथमेटिक्स में उसके लिए नोटेशन आता है जीरो, और धर्म में उसी शब्द के लिए आता है इनलाइटमेंट हो जाना, विलीन हो जाना, मोक्ष को प्राप्त हो जाना। हाँ सर बताइए। यस्मिन जी मैं जवाब दे दूं, इस जीरो है कि प्लस है, वन है कि प्लस टू है, इसकी तो बाकी मैंने कर ली। दोस्तों नहीं नहीं, सोलंकी जी एक बात और जी, आपको एक बात आप लोग मेरी बात सुनो, हम लोग मेरी बात सुनो, आप लोग हम लोग अपना इस मौजू पे बात नहीं करेंगे, ये बहुत लंबा खिंच चुका है ना? नहीं नहीं नहीं, एक बात बोलनी है जी। हेलो हेलो यस्मिन जी। नहीं, हेलो, एक बात लास्ट यस्मिन जी, एक बात सुनो जी। नहीं, एक बात सुनिए यस्मिन जी, यार रुक जा यार एक बार। जी हाँ बताइए भाई, हमारे जो है, पहले तो हेलो छोड़ो भाई, हमारे जो सनातन धर्म के जो लोग हैं ना, देखो सुनो मेरी बात सुन लो आप, सनातन धर्म के जो लोग हैं वो कंफ्यूज्ड हैं,
वो क्या मान नहीं कंफ्यूज नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं है, अल्लाह वाला ईश्वर नहीं है सर, ठीक है। एकदम सही कहा आपने, कौन कौन कंफ्यूज है, दो पैर दो हाथ पैर वाला, मैं कंफ्यूज सर। सुनिए सर, हेलो जी, नहीं है ये भी तो बताइए आप, हेलो, अब कैसे से बोल सकते हैं हम कंफ्यूज हैं। सुनिए हेलो, नहीं मैं आपके लिए नहीं बोल रहा यशवंत जी, मैं बोल रहा हूँ इन लोगों के लिए जो बाकी जो बोल रहे हैं ना। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, रुकिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए धर्म कोई ऐसा नहीं है कि जैसे आप इसे रातों रात समझ जाएंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। मैथमेटिक्स में कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, काफी सारी ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वो आपको पढ़ाई जाती है बैचलर में जाके, क्योंकि इंटर तक के बच्चों को केवल नॉर्मल समझाई जाती है। धर्म ऐसा ही है, जैसे हम धर्म में कहते हैं इनलाइटमेंट या मोक्ष, वो उसे मैथमेटिक्स में कहते हैं जीरो और फिजिक्स में उसी को कहते हैं स्पेस। अगर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रिस्ट से मिलेंगे तो आप उनसे कॉन्सेप्ट पूछिएगा व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म क्या है। नहीं सुनिए, यास्मीन जी कुछ को निकाल दो बाहर स्ट्रीम से, कुछ बात हो जाए। ठीक है बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, एक संतोष पांडे जी, संतोष पांडे जी, हाँ मैं चाहूंगा कि नेहरा जी की बात का जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि आदमी मर जाए तो कोई जिंदा कर सकता है, तो भैया नहीं कर सकता है, तो बताओ हुआ क्या उससे, क्या साबित हो गया उससे। उससे साबित ये हो गया, बात सुनो जी, कि साइंस सब कुछ नहीं कर सकती, साइंस के हाथ में सब कुछ नहीं है। अगर आप ये बताओ, साइंस ये बता सकती है कि ये इंसान मर गया, उसका शरीर जो फिजिकल शरीर है वो पूरा वैसे का वैसा है, जो पहले था जिंदा था वैसा के वैसा है, क्या साइंस बता सकती है इस इंसान के अंदर से क्या चीज निकल गई। हाँ बता सकता है, वो बताता है कुछ नहीं निकली है, बताती है साइंस। तो ये इनके पास रवि नेहरा जी, ऊपर ना ऊपर गोबर लेके मत घूमो प्लीज, ऊपर दिमाग लेके घूमो। वो अच्छा बात सुनो जी, ये आप कह रहे हो ना, तो आप इसका जवाब दो, वो मर्द जिंदे और मर्द इंसान में से क्या चीज निकलेगी, बता सकता है कोई डॉक्टर की। कुछ नहीं निकलता, वो मरा कैसे फिर, कुछ नहीं निकलता उसका शरीर जो है वो निष्क्रिय हो जाती है, कोई रूह आत्मा नहीं होती, ये आपका भ्रम है। तो अच्छा नहीं होती तो वो जिंदा कैसे था, क्या चीज उसको जिंदा रख रही थी, वैज्ञानिक क्यों नहीं उसमें डाल सकते वो चीज जो जिससे वो जिंदा था, उसका जो शरीर का अंग है वो काम कर रहा था, फेफड़े काम कर रहा था, उसका हृदय काम कर रहा था, किससे काम कर रहा था, किस चीज से काम कर रहा था, कोई तो चीज होगी जिससे काम कर रहा था, स्वयं ही काम कर रहा। सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए, शरीर को चलाने वाली एक जीव आत्मा है, कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी है, दूसरे को कहते हैं ऊपर लेके घूम रहे हो, ठीक है, आप खुद भी सोच लो, आपका गोबर आपके दिमाग में भी हो सकता है, ठीक है। आप साइंस 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 सब कुछ साइंस के अंडर नहीं आ सकता, अगर साइंस के अंडर सर हजारों इतना मैं हर चीज को साइंस से देखोगे, कितनी अंधविश्वासी हैं ये लोग, कितने अंधविश्वासी हैं संतोष पांडे जी, ये लोग देखो कितने अंधविश्वासी, खासकर रवि नेहरा जी। समस्या ये है भैया कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्यों है, वजह क्या है उसकी, सारा ताकत लेके बैठ के कर क्या रहा है वो, क्या कर रहा है। देखिए मैं एक इसमें पढ़ा हूँ, आप ये मान, आप ये बताओ जो चीज साइंस, आप ये बताओ जी, एक बात बताओ जी, जो चीज साइंस नहीं खोज सकी वो चीज क्या एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में, करती है। हाँ तो फिर वो आगे हो सकता है साइंस खोज ले, ऐसा ऐसी कोई चीज होती है शरीर में, कोई रूह नाम की या कोई ऐसी चीज होती है जो निकल के जाती है, ऐसे बहुत
एक बात बताओ सर, ऐसे बहुत से मामले आए हैं पुनर्जन्म के मामले आए हैं जो पीछे के रवि जिन्होंने पीछे की बात बता दिया। रवि ने रची ये आत्मा क्या होती है बताओ मुझे, कैसे होती है, किस चीज के बनी होती है, ये इसकी साइंस के खोज में आ ही नहीं सकती ये चीज। फिर तो जिन भी होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं, अपना अल्लाह भी होता है, सब होते हैं, क्योंकि वो साइंस के खोज में नहीं आती, खोज में नहीं आती। ये आर्गुमेंट ना हर चीज को नहीं मान सकते जी, ये जो ये हर चीज को नहीं मान सकते, जो आप आर्गुमेंट डाल रहे हो जी, आर्गुमेंट है आपका, हम जिन होता है ना आत्मा होती है, हम जिन की उनकी बात ही नहीं करते, हम उनकी बात ही नहीं की, हम जिन है कि नहीं है, क्यों नहीं करेंगे भाई, जब आप बोल रहे हो तो साइंस के हिसाब से बात की, मैंने साइंस आप बोल रहे हो मैंने आपको साइंस के हिसाब से बात की है, तो वही बात तो मुस्लिम भी कहते हैं कि अल्लाह साइंस से परे है, आत्मा और रूह साइंस से परे, तो वो लोग भी अपने आप को सही हो गए फिर तो। वो हर चीज कोई किसी ने कुछ बता दिया, कुछ कह दिया जो हम जानते नहीं, क्या वो सच्ची होगी फिर? हर चीज तो सच नहीं हो सकती ना रवि जी, अब तो आप जो बोल रहे हो वो भी सच नहीं है, वो सच नहीं है, इसलिए सुनो जो साइंस जिस चीज को प्रूव नहीं कर सकी। मेरी बात सुनो, यस्मिन जी मुझे मौका दीजिए। सर नहीं नहीं राघव सोलंकी जी, बहुत समय हो गया, अब किसी और स्ट्रीम में आप लोग अपनी चर्चा ना आगे, नहीं सुनो दो सवाल छोड़ देता हूँ बस, ज्यादा सिर्फ सवाल बहस नहीं, ओनली सवाल, बस सवाल छोड़ रहा हूँ मैं। रवि जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई आपको आ रहा है जा रहा है कहीं पर, ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको ठीक करना होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कर्म का सिद्धांत क्या है, पहला, और दूसरा कर्म का पहला सवाल, हाँ पहला इस सवाल का जवाब ढूंढिए कि कर्म का सिद्धांत क्यों है, फिर अगर कोई कंट्रोल कर रहा है आपको तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और कर्म फल को आप भोग रहे हो। सेकंड सवाल, ठीक है ना, तो कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। सेकंड सवाल करो यही है इनका, इसका प्रश्न ढूंढने दीजिए इसको। हाँ ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना, प्रश्न मत ढूंढना, चलिए ठीक, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये राहुल गांधी वाली प्रॉब्लम होती है, आ गया अगर कंट्रोल वो करने वाला है तो। चलो ठीक है, रवि नेहरा जी इसका आंसर आप ढूंढ लेना, फिर किसी स्ट्रीम में ना आप मिलके इनको आंसर दे देना, ठीक है। अभी हमको ना स्ट्रीम बंद करनी पड़ेगी, बहुत समय हो गई है, ठीक है, तो आप सब लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और संतोष पांडे जी आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अकेली हो गई थी, आपने आकर के मेरी हेल्प कर दी। नहीं हम भी हेल्प ही कर रहे हैं, यस्मिन जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नहीं तो वो हेल्प नहीं हेल्प आप मेरी कर रहे हो, लेकिन वो मेरे मत के अनुसार थे ना, वो आप लोग मेरे मत के विपरीत थे। जी जी मैं इसीलिए कह रहा था कि ये जो तर्क दिया गया बीच में एक कि विज्ञान ये चीज जो है कर पाएगा, क्या कर सकता है आगे, इसलिए ये तर्क नहीं चलेगा, आपको इसके लिए बहुत लंबी बहस हो जाए, इसलिए मैंने छेड़ी भी नहीं थी उस बहस को, मैंने केवल जो उदाहरण लिया था कि एक बंधु ने यहाँ पर कहा था कि निराकार जो है उसको मैं मानूंगा ही नहीं। नहीं चलो अब रहने दो, फिर आर्गुमेंट होती बहुत सारी, ठीक है, आप लोग कभी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओमकार जाधव जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यस्मिन जी, इसी तरह करते रहिए। थैंक यू। हाँ जी बोली जी जी जी, अब समय हो गया है जाने का, कुछ बोलना है तो शब्द आपको। नहीं बोलना था लेकिन अभी आदमी भी ज्यादा बोल तो जुड़ गए। नहीं अब आप किसी और स्ट्रीम में ना अपनी बात रखिएगा, कि अभी कौन से किसके विषय पे बोल रहे, इसलिए नमस्ते नमस्ते संतोष पांडे जी। हाँ जी एक चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी स्ट्रीम में, जब तक के लिए आप सबको थैंक यू देखने के लिए, बाय।